पहनना होगा घर में तो लिपस्टिक लगा ले। अच्छी लगाई है, अच्छी लग रही है बीना, बीना लिपस्टिक अच्छी लग रही है, लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। बीना तेरी बात मुझे समझ में आई कि बाहर तो मास्क पहना, घर में लिपस्टिक लगा के रखो। कमला कमला कैसे हो? बढ़िया एकदम, आप लोग कैसे हो सब? बस मजे में, मजे में है प्रभा अभी आप? थोड़ी देर बिल्कुल मजे में, लिपस्टिक लगाती रहती है वो, मेरी लिपस्टिक हटने नहीं देती है। दादी लिपस्टिक हट गई चलो लगवा लो, दोनों को आदत है मेरी लिपस्टिक आके लगाती रहेगी। अरे बेचारे कॉस्मेटिक वाले तेरे पाँव छुएंगे आके। नहीं दंडवत अभी हमारे अंजलि कर रही है ना सबको दंडवत। हमारा वो काजल बहुत काम आ रहा है मेरे, एक बार और सुमन क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, कैसे आप लोग? बस ठीक है, हाउस बेबी? नाइस, गुड गुड। अंजलि हाँ बस बढ़िया, फोटो तो डालो। किसका? डालूंगी 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 डालूंगी। गीता क्या हाल चाल है तेरे, क्या हाल चाल है गीता, क्या हाल चाल है? आपको जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सरला भाभी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सरला भाभी कहाँ पे हो? बम्बई में की लोनावला? मुंबई नगरी सबसे प्यारी, वही बसे मन मीत मेरा। सरला आंटी को तो, सरला आंटी को तो 3 महीने टेंशन ही नहीं होने वाला ही नहीं 3 महीने तक तो। ए आजकल तो दो दो महीने में टाइम हो गया है, टाइम आप स्टार्ट करें, चालू करो, बात करो। हाँ इतने लोग हो गए, कर दो स्टार्ट, ज्वाइन हुई हुई है देखो। हाँ तुम तो चाय बना देना, चाय ये हम लोग को भी बिना अकेले चाय नहीं पीना, बिना अकेले चाय नहीं पीना। संगीता सबको आप 5 मिनट लो, पर स्टार्ट करते हैं, सब जन पी लो चाय। समोसे लाओ, समोसे। कमला भाभी क्या खा रही है? अरे मैं चाय पी रही हूँ। और क्या खा रही है? चाय चाय बिस्किट, चाय अच्छा चाय गोईठा, इतना बड़ा ग्लास, पटियाला ग्लास में चाय पी रही है। हाँ मेरे को स्टील में अच्छा लगता है, पटियाला ग्लास था सारी चाय तीन टाइम। कमला कमला हाँ बोलो, एकदम शेखावटी स्टाइल ना, एकदम एकदम वैसी चाय और गोईठा है ना। हाँ चाय और गोईठा, जैसे कृष्ण बिन्ना पुगलिया लाडनो की शेखानी है वो। सब लोग म्यूट कर लो। और सुन पपीता बना के, और जो पहले वाला जो है ना इसका अनुष्का का चाय, वो अच्छा खाना बाद में खिलाऊंगी। तो खाओगे सर खाना थोड़ा, थोड़ी देर बाद? संगीता भाभी म्यूट कर दो सबको। अलमा इसके साथ खेल, ये लो। हाँ हाँ चाय के साथ वो देना। संगीता सबको म्यूट कर दे, सबकी आवाज आ रही है। जय श्री कृष्णा, एकदम से शांति छा गई है सबको अनम्यूट करते ही। सबको मेरी आवाज आ रही है? शर्मिला जी आप आ गई हैं?
कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा। तो अभी अपन लोग स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम। हाँ। जय महेश, जय श्री कृष्णा। भगवान महेश की प्रार्थना का साथ हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। वसुदेव सुतम देवम शान्तिमार्दनम देवकी परिमानंदम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्णा। मैं संगीता भराड़िया दक्षिण मुंबई क्षेत्रीय महिला समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी पदाधिकारियों, सभी क्षेत्रों से आए हुए अध्यक्षा, संयोजिका और आज के हमारे सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के आधुनिकरण जमाने में जगह को आसमां छूते बिल्डिंग्स, करप्ट सिस्टम ने हमारी ओपन स्पेस तथा गार्डन जोन को छोड़ा नहीं है, जिसका नुकसान नई नई बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं और हेल्दी लाइफ से वंचित हो रहे हैं। पर्यावरण के लिए पेड़ तथा हमारे जीवन में पेड़ पौधे का एक विशेष स्थान है, जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं। प्रकृति के निशुल्क सुंदर देन का हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, परंतु देखिए अगर हमारे मन में चाह हो तो हमें वहां जरूर राह मिल ही जाती है। शर्मिला जी हमें यही सिखाने आई है कि हम छोटी सी जगह पर भी किस तरह पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो आइए पहले हम शर्मिला जी का परिचय सुनने के लिए विजया जी डागा को आमंत्रित करती हूँ। विजया जी डागा। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण, राधे राधे, जय महेश। मैं विजया डागा, दक्षिण मुंबई महिला समिति की सदस्य। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों से शर्मिला जी झंवर का परिचय कराऊं। शर्मिला जी झंवर का जन्म हैदराबाद के शिक्षित एवं सामाजिक परिवार श्री बद्री नारायण जी राठी के यहाँ हुआ एवं इनका विवाह मुंबई के श्री चंदनमल जी झंवर के सुपुत्र दिलीप जी झंवर से हुआ। इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है, साथ में इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी, डिप्लोमा कोर्स भी किया है। बचपन से ही इनको पेड़ पौधों एवं प्रकृति में काफी लगाव था, अतः उससे रिलेटेड इन्होंने काफी सारे कोर्सेस किए हैं। इन कोर्सेस में बोनसाई, माइक्रोग्रीन्स, इंडोर गार्डनिंग, केमिकल फ्री गार्डनिंग, कंपोस्ट मेकिंग, हर्ब्स, स्पॉटेड गार्डनिंग, माइक्रो हर्ब्स एटसेट्रा। इन्होंने अपने इस शौक को बिजनेस बना लिया है, जो कि पॉटेड गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये गमलों को सुंदर तरीके से सजाती हैं थीम के हिसाब से एवं इन्हें बुके के हिसाब से अपने लोग गिफ्ट कर सकते हैं। यूजुअली जो फ्लावर के बुकेस अपन गिफ्ट करते हैं वो तो 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं और हमें उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, लेकिन इनके द्वारा बनाए हुए जो गिफ्ट बुके के रूप में अपने पास आते हैं उनको हम परमानेंटली घर की शोभा बना सकते हैं। ये बालकनी गार्डनिंग भी करती है, ये घरों की बालकनियों को सजाती है क्रीपर्स, हर्ब्स, प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स एटसेट्रा से, और वो इन बालकनीज के मेंटेनेंस का काम भी करती हैं। इन्होंने बृहद मुंबई माहेश्वरी सम्मेलन 2020 में माइक्रोग्रीन्स का स्टॉल लिया था एवं इनका यह स्टॉल काफी ज्यादा सराहाया गया था। इन्होंने लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए गार्डनिंग के काफी सारे वेबिनार्स लिए हैं। आज इनका यह 4th वेबिनार है। इनका ऐसा मानना है कि ये सब इतना इसलिए कर पाती हैं क्योंकि इनको इनके पति दिलीप जी एवं सारे परिवार का काफी ज्यादा सहयोग है इस काम के लिए।
ये मलाड समिति की कर्मठ सदस्य हैं। इसके पहले ये कोयम्बटूर में रहती थी एवं वहां भी ये सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा कार्यरत थी। अंत में मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, धरती, गगन, हवा, पवन, यह सब प्रकृति के फूल हैं एवं ये इन फूलों में से एक हैं। इनका एहसास ही गुलों की खुशबू और गुलशन का उसूल है। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। शर्मिला जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ, लिए लिए फिर वो स्टार्ट करूं? यस यस, ठीक। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। आज सभी आए हुए सदस्यों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और साउथ मुंबई मंडल, महिला मंडल का तहे दिल से धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है ये वेबिनार प्रस्तुत करने का। और संगीता जी भराड़िया का स्पेशल स्पेशल धन्यवाद है। ये मेरे से कोऑर्डिनेट करने में यही थी और ये मेरी एक बचपन की सहेली भी है, इसलिए मुझे ज्यादा आनंद है ये वेबिनार प्रस्तुत करने में कि उनके कहने पे मैं ये वेबिनार प्रस्तुत कर रही हूँ, तो बहुत खुशी की बात है आज ये मेरे लिए। आज मेरा टॉपिक है माइक्रो ग्रीन्स। जैसे कि संगीता जी ने कहा, छोटी सी जगह में बहुत बड़ा, मतलब मेरी एक डाइटिशियन खंदा पड़ लिया है, दे जाए बस। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको कहते हैं माइक्रो ग्रीन्स। छोटी जगह में, थोड़ी सी जगह में बहुत बड़ा आपको फल मिलता है इसका। माइक्रो ग्रीन्स मीन्स माइक्रो मीन्स छोटे और ग्रीन्स मीन्स छोटी पत्तियां, ग्रीन लीव्स। तो माइक्रो ग्रीन्स छोटी पत्तियां जो आप डायरेक्टली खा सकते हो, जैसे कि ये है डायरेक्टली, आप जो छोटी छोटी पत्तियां हैं जो आप डायरेक्टली इनको खा सकते हो, इनको आपको कुकिंग की जरूरत नहीं है। और देखिए आप इतने कम जगह में मैं इनको उगा रखी हूँ, इतनी सी जगह में, तो ये कम जगह में एकदम बनता है और इसको उगा सकते हैं और मेंटेनेंस भी बहुत कम है और डायरेक्टली इसको खा सकते हैं। तो इसकी पौष्टिक तत्व जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं इसको, क्योंकि आपको कुक करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये पौष्टिक तत्व जैसे है वैसे ही आप इसको खा सकते हो, क्योंकि कुकिंग में बहुत सारा इसका पौष्टिक तत्व चला जाता है, वो इसमें नहीं होता है। जो अपने अंकुरित तो बीज जो अपने खाते हैं अभी, वो उसी को उगाना है और उसी को उगा के जो अपने ये बनते हैं इसको माइक्रो ग्रीन्स करते हैं। तो अंकुरित बीज ही आप सोचो कितने पौष्टिक है, और कहते हैं कि अंकुरित बीजों से इसमें 40% ज्यादा पौष्टिक तत्व है, ऐसे डाइटिशियंस कहते हैं, डाइटिशियंस का मानना है। इसलिए आज अपने एक बहुत बड़ा भंडार, जैसे कोई खजाना लूटने चले हैं। अभी मेरे को पता है सब एकदम बेचैन हो रहे हैं कि कब शुरू हो और कब हम लोग सुने इस बारे में कि ये कितनी अच्छी चीज है जो आज हम करने वाले हैं, माइक्रो ग्रीन्स। अभी इसकी मिट्टी जो बनानी है, इसकी जो माइक्रो ग्रीन्स ये है ऐसे, मतलब ये जैसे आप कोई भी, मतलब और माइक्रो ग्रीन्स जैसे आप सब्जियां उगाते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़े पॉट्स, बहुत सारा धूप, बहुत सारी मेहनत। और अपने बंबई में तो एक बार में इतनी सब्जियां लगना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास बालकनी भी है, आप बड़े बड़े गमले भी लगा देते हो, तो भी एक बार में अगर आप वेजिटेबल्स उगाओगे और फिर उसको हार्वेस्ट करने में आपको एक बार में एक तोरू, एक लोकू, एक भिंडी आएगी, तो आपका मजा ही, मतलब मजा ही किरकिरा हो जाता है खाने का, कि अरे एक तो अपने खा भी नहीं पाते। तो इतनी मेहनत करके उगाते हो और उसका मजा ही पूरा चला जाता है। लेकिन माइक्रो ग्रीन्स में वैसे नहीं है, आप जो बनाते हो उसको तुरंत जैसे है वैसे, एज इट इज, थोड़ी जगह, थोड़ा सा, थोड़ा एक दो पत्ती भी अगर आपकी आती है तो आप उसको आप यूज कर सकते हो सैलेड्स में, जैसे बर्गर्स में, सैंडविचेस, आजकल के जो बच्चे खाते हैं उसमें, जो अपने खाते हैं कड़ी दाल, हर चीज में आप इसको यूज कर सकते हो। और जगह भी कम लगती है, जैसे 4 से 6 इंच के बॉक्सेस है, इसी में ये बन जाता है, 4 से 6 इंच के बॉक्सेस में ही इसको आप लगा सकते हैं। इसको ज्यादा ना, ये मैं तो ये टेक अवे कंटेनर्स जो रहते हैं इसमें भी लगा देती हूँ। आप ऐसे ट्रेस भी लेके आ सकते हो, जो ऐसे 4 से 6 इंच की ट्रेस रहती है उसमें भी आप इसको लगा सकते हो। लेकिन इजी जो घर में अवेलेबल, अभी लॉकडाउन में आप जितना कम बाहर जाओ उतना अच्छा, मैं तो ये सोचती हूँ। इसलिए ये जो टेक अवे कंटेनर्स है
ऐसे आपके नारियल के कप्स है, जो घर में चीजें अवेलेबल है उसी में भी आप उगा सकते हो, क्योंकि ना इसको ज्यादा जगह चाहिए, ना ज्यादा डेप्थ चाहिए, ना ज्यादा मिट्टी चाहिए। मिट्टी इसके लिए बेस्ट ये रहेगी कि जो आप घर में बनाओ, घर में जो बनाते हैं। मेरा लास्ट जो वेबिनार था उसमें मैंने किचन वेस्ट से मिट्टी बनानी बताई थी, अगर वो अगर आप मिट्टी यूज करते हो तो वो तो बेस्ट है। वो मैं एक आपको जस्ट बताती हूँ शॉर्ट में, कि उसमें जैसे है एक आपको अर्दन पॉट लेना है, अर्दन पॉट पे नीचे एक लेयर मिट्टी 2 इंच की लगा दी आपने, सो नॉर्मल गार्डन सॉइल। उसके बाद 4 से 6 इंच का आपको किचन वेस्ट लगाना है आपका, जो घर की सब्जियां आप छीलते वगैरह हो उसके जो कुछ कचरा बचा हुआ है उसको चॉप कर दीजिए तभी का तभी, और चॉप करके आपने इसमें आप डाल दीजिए इसमें कभी जब फ्रिज में। एक दिन में अगर आपका पूरा इकट्ठा करता है, क्लियर है वॉइस ना? नहीं आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है एकदम। नहीं नहीं सबका मैसेज आ रहा है कि आवाज कम आ रही है। हाँ वही मैंने मैसेज देखा इसीलिए पूछ रही हूँ आवाज। हाँ, क्या हाँ हाँ लो आ रही है तेरी आवाज। एक्चुअली या तो नेटवर्क इनके आवाज लो आ रही है, उनका इंटरनेट प्रॉब्लम है, अदरवाइज आवाज अच्छी आ रही है। उनका या तो इंटरनेट प्रॉब्लम है या आप ईयरफोन्स लगा लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप प्लीज कंटिन्यू रखिए, आप बोलिए, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। चलो ओके थैंक यू। हाँ तो मैं मिट्टी बोल रही थी कि मिट्टी वो जो किचन वेस्ट है एक लेयर मिट्टी लगाइए, फिर एक 4 से 6 इंच किचन वेस्ट अपना जो सब्जियों का फल फ्रूट का जो भी सब्जियों का कचरा था वो, फिर वापस 2 इंच मिट्टी और उसके ऊपर खट्टी छांच आपको डालनी है, और उसके ऊपर नीम के पत्ते का एक लेयर लगा दीजिए, और उसको बारदान से ढक के या कोई भी प्लास्टिक का बारदान या अपना जो बारदान उसको ढक के 40 to 45 days के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, तो आपकी माइक्रोग्रीन मतलब घर में बनी हुई खाद बहुत अच्छी बन जाएगी। तो सोचिए आपका होममेड कंपोस्ट जो बिना केमिकल्स के है और माइक्रोग्रीन्स ऐसी मिट्टी में बने हैं, तो वापस सोचिए माइक्रोग्रीन्स भी बिना केमिकल के, तो सोचो पौष्टिकता का डबल धमाका हो जाएगा। ये ऐसी ट्रेज है, इसके अंदर मैंने देखिए नीचे ये 5 holes कर दिए छोटे, ऐसे आप होल्स कर लीजिए और फिर इसके बाद में है आपको मिट्टी डालनी है इसमें नीचे ट्रेज में, प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं सॉइल का आप कैसे बनाते हैं कंपोजिट सॉइल? मैं वही बता रही हूँ अभी, मैं डालते आपको बताती हूँ मिट्टी का। ये मैजिक सॉइल मैंने बताई होममेड कंपोस्ट, अगर होममेड कंपोस्ट अगर आप डाल रहे हो तो उसमें कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाय चांस आपके पास होममेड कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कल वापस ये बनाना है, तो इसमें आप क्या करते हो नॉर्मल जो अपने नर्सरी में मिट्टी मिलती है ना वो मिट्टी ले लीजिए, उसमें 40% वो मिट्टी लेके उसमें 20% आप इसमें गोबर डाल लीजिए, सूखा जो अपना गोबर रहता है उसका सूखा हुआ भूरा उसमें डाल दीजिए 20% वो, और 20% रेती डाल दीजिए, रिवर सैंड रहती है ना वो, अगर मिट्टी चिकनी हो, नहीं तो 80-20 भी आप ले सकते हो, जैसे 80 आप है ना उसकी सॉइल ये हो नर्सरी से जो सॉइल मिलती है वो, और उसपे 20% आप वो डाल दीजिए गोबर का चूरा, 80-20 भी चलेगा। अगर बहुत ज्यादा आपकी मिट्टी चिकनी है तो 20% आप उसमें रेती जो आती है अपनी बिल्डिंग बनाने में काम में जो आती है या फिर रिवर्स सैंड जिसको बोलते हैं वो ऐड कर दीजिए। एक और बार ये ध्यान रखनी है कि जो अपने ये माइक्रोग्रीन्स के लिए सिर्फ, बाकी प्लांट्स के लिए जरूरत नहीं, माइक्रोग्रीन्स के लिए आप मिट्टी को थोड़ी छान लिए, देखिए मिट्टी आप देखेंगे इसमें एक भी पत्थर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ये कौन सी मिट्टी है ये डिब्बे में आपके, कौन सी मिट्टी है? ये मेरी मिट्टी मैंने मिक्स करके, ये जो मैंने घर में मैन्योर बनाई ना वही मिट्टी है, इसमें मैंने काउडंक मिलाया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप, मैंने कहा ना अभी नर्सरी की मिट्टी भी आप लेकर आ सकते हो, उसमें आप रेती अगर चिकनी है तो रेती, नहीं तो की जरूरत नहीं, 20% आप काउडंक मिला के यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए मिट्टी को हल्की सी सुखा ले, बहुत चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, और इसके अलावा मिट्टी को इसमें माइक्रोग्रीन्स में मिट्टी छानना जरूरी है, इसमें बड़े बड़े पत्थर आएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सीड्स को जैसे जर्मिनेट होने के लिए बाहर निकलने में पत्थर बीच में आ जाते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए आप है ना मिट्टी को छानिएगा जरूर से।
ये ऐसे मैंने इसमें डाला है ये हो गया। इसमें अभी मैं सबसे फर्स्ट ये देखिए राई है, राई मेरी ये चार पांच दिन पहले उगाई हुई राई है, अभी इसमें सबसे फर्स्ट अपने राई उगे हैं। ये राई जो है ये इसमें राई है देखिए आप, ये मैंने आज सुबह भिगाई है, इसमें पानी में राई को भिगा के रखिए 2 से 3 घंटे के लिए। फिर जो नीचे वाले नीचे जो सेटल हो जाते हैं राई के बीज सीड्स वो आपको लेने हैं, और ऊपर जो निकल ऊपर जो रहते हैं ये सीड्स ये निकाल देने हैं, और नीचे जो सेटल हो जाते हैं वो सीड्स लेने हैं। बोलते हैं उसकी गुण तत्व ज्यादा अच्छी होती है, मतलब दे आर मोर जर्मिनेट होने में वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं, जो नीचे रहते हैं वो सीड्स हेल्दी रहते हैं, तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे आपके, और उसमें जर्मिनेट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, उगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नीचे जो सेटल हो जाते हैं वो सीड्स आपके हेल्दी सीड्स रहते हैं। तो आप ये बाहर निकाल दीजिए इसको, ऐसे ऊपर वाले सीड्स ऐसे आपने निकाल दिए, पानी आपने ऐसे निकाल दिया, और ये सीड्स आप ले लिए हाथ में ऐसे, और इस वाले में मैं उगा रही हूँ, इसमें मैंने नीचे सब डाल के रखा है, आपको मैं फिर बताती हूँ नेक्स्ट वाला जो करूंगी उसमें। इसमें मैंने ऐसे इसको स्प्रेड कर दिया, ऐसे स्प्रिंकल किया है इसको, सीड्स को ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, दिख रहा है ना इसमें सीड्स को ऐसे स्प्रिंकल कर दिए सारे। शर्मिला जी थोड़ा सा ऐसे सामने होके बताइए ना तो सबको ऐसे दिख रहा है। हाँ वही, इसीलिए मैं वही सोच रही, इसलिए पूछ रही हूँ आपको दिख रहा है क्या ये ऐसे बताइए। शायद व्हाइट वाले में ये देखिए इसमें ये अब दिख रहा है, क्लियर है ना, ये ऐसे मैंने पूरे स्प्रिंकल कर दिए सारे सीड्स, ये देखिए पूरे एक के ऊपर एक कम नहीं है ज्यादा, सारे ऐसे मैंने ऐसे छिड़क दिए इसके ऊपर ताकि सब सारी जगह इसको स्प्रेड हो जाए ऐसे, और इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर मिट्टी का वापस अपने को ऐसे स्प्रिंकल करना है ऐसे एकदम ऐसे ही। ये अपने हो गई मेथी, फर्स्ट अपने क्या किया नीचे मैं भी बताती हूँ आपको, नीचे ये जो है इसमें छेद होना बहुत नैपकिन ऑल्सो नाइस नैपकिन, ये नारियल में ऐसे जो है इसने नीचे छेद किया हुआ है, बिना छेद किए हुए मत यूज करना, ये नीचे से छेद किया हुआ है, और इसके नीचे मैंने ये पेपर लगाया है ऐसे, ये पेपर जो थैली जो रहती है ना अपनी उसका थैली में, जैसे ये शॉपिंग बैग वगैरह रहती है इसका कपड़ा है, ये शॉपिंग बैग्स का कपड़ा इसमें नीचे लगा दिया ताकि इसमें नीचे गिरे नहीं आपका बिल्कुल भी, मतलब मिट्टी अगर बाहर निकल जाएगी सारी तो फिर पानी डालेंगे तो ये अगर छेद बड़ा रहेगा तो पानी डालने से मिट्टी सारी बाहर निकल जाएगी और फिर पानी भी अटक भी जाएगा बहुत ज्यादा, तो ये इसलिए पेपर लगा दो, तो ये कपड़ा लगाने से पानी इजीली बाहर निकलता है, मिट्टी आपकी रह जाएगी, नहीं तो आप पानी डालते हो तो पानी के साथ में मिट्टी भी निकल जाती है, इसलिए ये कपड़ा लगाना जरूरी है। कोई भी पॉट्स में पहले अपने टिकड़ी लगाते थे की जगह, अगर आप ये पेपर ये जो कपड़ा है कोई भी कपड़ा लगा लो ऐसे, कोई की यही लगाए क्लॉथ या ड्राइड लीव्स कुछ भी नीचे लगाना जरूरी है ताकि आपकी मिट्टी फ्लो नहीं हुई। इसके बाद मैंने इसमें ये मिट्टी लगाई डाली है, उसके बाद में ये सीड्स डाले हैं और सीड्स के ऊपर सिर्फ स्प्रिंकल कर दिया मिट्टी को, ज्यादा कुछ नहीं, और इसको दबाना नहीं चाहिए, कुछ भी दबाना नहीं है आपको, क्योंकि दबाने से फिर सीड्स को जर्मिनेट में दिक्कत होती है, सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो आपको इसको दबाना नहीं चाहिए, हल्के हाथ से सिर्फ मिट्टी छोड़ना चाहिए, और पानी इसको कभी भी ऐसे डालें कि वाटर बॉटल ऐसी स्प्रिंकलर्स बना लीजिए अपने बॉटल्स के, ऐसे बॉटल्स के आपके स्प्रिंकलर्स बना दीजिए जिसमें सामने छेद किया हुआ रहता है, तो ये छेद अगर करने से आपके ऐसे हो जाता है कि डालने में आपको इजी रहता है, आप अलग से स्प्रिंकलर्स लाने की जरूरत नहीं, ऐसे 4-5 बॉटल अगर आप करके रख लेंगे तो आपके इजी हो जाता है, इसको ऐसे वाटर करने के लिए कभी भी ऐसे स्प्रिंकल करना है आपको, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही पानी डालोगे तो सारे सीड्स बाहर निकल जाएंगे, मिट्टी भी बाहर निकल जाएगी और फिर वो दिक्कत होगी, एक बार का पूरा अच्छे से पानी डाल के इसको रख दो। इसके लिए जो अपने घर में ऐसे जो रहते हैं ना कप्स, जो वेस्ट कप्स रहते हैं
ऐसे रख लेती हूँ मैं, ताकि अभी ऐसे टाइम पे अपने फेंक देते जो थोड़े बहुत टूट जाते अपने यूज नहीं करते डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे कप्स के ऊपर ही इसके ऐसे रख दिया तो ये सुंदर भी दिखता है, अच्छे स्टैंड भी हो जाते हैं। और इसको आप अपने विंडो सिल में रख सकते हो, किचन सिल पे रख दो, जहाँ 2 से 3 घंटे धूप आती हो ऐसी जगह पे अगर आप रख दोगे तो ये उग जाएगा। 2 या 2 से 3 दिन में, जैसे ये 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले सैटरडे को ये मेरा लगाया है, सैटरडे के दिन ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है एकदम छोटे छोटे बेबी, ये राई है, छोटे छोटे राई आने लग गए। फर्स्ट राई यही है, 2 से 4 दिन का पुराना है ये, और फिर ये है 8 से 10 दिन पुराना ये वाला। ये तीनों ये सब राई के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये 8 से 10 दिन और ये 15 से 20 दिन पुराना है ये वाला। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये तीनों राई के ही मैंने बताए हैं आपको तीन। अभी सोचिए ये बास्केट, ये बास्केट, ये राई कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये राई ऐसे इस बास्केट में ऐसे आएगी यहाँ तक, इससे ज्यादा तो ये बढ़ने वाला नहीं है राई, तो इतना ये हाइट में ये राई यहाँ तक बढ़ी हुई ऐसी और इस बास्केट में आएगी तो आप गिफ्ट करोगे तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। दीज आर ऑल गिफ्टिंग आइडियाज विच कैन यूज, हेल्दी गिफ्टिंग आइडियाज फॉर योर फैमिली फ्रेंड्स नियर्स एंड डियर्स वन, जो बहुत खुश हो जाएंगे आपके ऐसे गिफ्ट देखने। जैसे आप बुकेस की जगह ऐसे हर्ब बास्केट, फ्लावर बास्केट, सीजनल कुछ भी ऐसे आप बना के दे सकते हो, जो आपके गिफ्ट की वैल्यू ही एकदम बढ़ के 4 चांद लगा दे आपके गिफ्ट को, तो ऐसे आप गिफ्टिंग कर सकते हो। तो ये अपने राय के 3 स्टेजेस देखे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और कैसे बोना ये आपका एक स्टेज पूरा, मैंने एक स्टेज पूरा बताया, उसको वाटर कैसे करना वो भी बताया, अभी इसको चॉपिंग कैसे करना है बाकी सारे चीज के साथ में मैं लास्ट में सारा चॉपिंग लूंगी आपका, कि चॉपिंग कटिंग कैसे करना है वो मैं लास्ट में लूंगी, पहले मैं आपको सारे सीड्स कैसे उगाना है एक के बाद मैं आपको बता रही हूँ। ये राई का हो गया, और राई को कैसे भिगाना ये भी मैंने बताया, और राई को कैसे उगाना ये भी मैंने बता दिया, और कैसे पानी डालना ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट मेथी लेते हैं, देखिए ऐसे, और इस पे टैगिंग करके रख दीजिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। जैसे आपने अगर इसमें राई डाला है तो आपको पता कि ये राई है या क्या है, अंदर सीड्स तो अंदर छुप जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें राई है या क्या है, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप सोचते रहेंगे इसमें मैंने क्या डाला था। तो एक मार्किंग पेन से लेके इसके ऊपर आप, क्योंकि इसके ऊपर आप पेपर नहीं चिपका पाओगे, तो एक मार्किंग पेन से आप इसके ऊपर डेट और राई ऐसे लिख दीजिए, मस्टर्ड या राई जो भी आपको लिखना लिख के, और इसके ऊपर डेट लिख दीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि ये क्या चीज है और आपने कब बोई और ये कब आए, कितने दिन इसको टाइम लगेगा उसका भी एक आइडिया आ जाएगा। तो आपको खुद से नेक्स्ट टाइम से मालूम पड़ेगा, अरे मेरी राई इतने दिन में आएगी या मेरा देने के लिए क्या चीज़ आएगा या मेरा गेहूं इतने दिन में आएगा, इस चीज की आपको आइडिया रहेगी। तो कभी भी टैगिंग और मार्किंग से कीजिएगा। देखिए जैसे इसमें मैंने आज मेथी, अब मैं मेथी बना डाल रही हूँ, तो मैंने आज ये मेथी लिख रखा है इसमें और आज की डेट लिख दी मैंने इसमें, और ये मेथी का मैं बॉक्स बना रही हूँ। वैसे आप बास्केट बनाइए, ट्रे बनाइए, और जो भी आपके पास छोटे बड़े चीज जो भी अवेलेबल है उसमें आप इसको बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस 4 to 6 inches डेप्थ इज मोर देन इनफ एंड लिटिल सॉइल एंड योर क्रिएटिविटी, बस a little knowledge which I am giving you today. ये मेथी है, अभी मेथी राय को तो मैंने जैसे सुबह में ये इसमें देखिए मेथी है, ये देखिए मेथी है, थोड़े से स्प्राउट दिख रहे होंगे, थोड़े दिख रहे हैं सबको, उगे हुए हैं, स्लाइड से रूट्स आए हुए हैं इसमें। तो इस राय को तो मैंने सुबह मोटर बंद मारो, राय को मैंने सुबह में भिगाया और आफ्टरनून तक इसको बना दिया, कर दिया 24 आवर्स सोक कर। की आवाज कोड़ो इलंदे मेथी को, ये सबको म्यूट करिए ना। हाँ वही मैं भी सोच रही थी, मेहुल कैन यू म्यूट एवरीबॉडी। ये मेथी जिसको मैंने 24 आवर्स भिगाया है, जैसे मेथी है, गेहूं है, ये सब चीजों को आपको 24 आवर्स भिगोना चाहिए, फिर उसके बाद जैसे अपन स्प्राउट करते हैं ना अपने धाम चना मूंग वगैरह को, कैसे आप स्प्राउट करते हो थैली में बांध के, कपड़े में बांध के स्प्राउट करते हो ना, वैसे ही आपको स्प्राउट करना है।
थैली में कपड़े में या कोई नेट वगैरह में बांध के आपको स्प्राउट करना है। ये 24 घंटे भिगा के फिर 24 घंटे या 12 घंटे भी आप इसको बांध के रखो तो मोर देन इनफ है। 12 घंटे इसको आप बांध के रख दीजिए और ऐसे आपको पता चल जाएगा खुद ही, ऐसे बीज आने चाहिए इसके। नीचे से आपको क्लियर दिख रहा है, दिखा ये ना आई सपोज, तो इसमें रूट्स दिख रहे हैं आपको क्लियरली। ये मेथी है 24 आवर्स भिगो के, 24 आवर्स मैंने इसको बांध के रखा है कपड़े में और इतना स्प्राउट हो गया। तब मैंने इसको आपको मिट्टी का प्रोसीजर तो मैंने बता दिया, ये ऐसे मैंने स्प्रिंकल कर रही हूँ। आई विल शो यू इन द कैमरा अगेन। शर्मिला जी, हाँ बोलिए, एक बार मिट्टी का वापस बता दीजिए ना, क्या क्या मिट्टी लिया है। मिट्टी तो नॉर्मल मिट्टी मैंने बताई है ना, कोई भी आप नर्सरी से मिट्टी लेके आके, उसमें अगर चिकनी है मिट्टी तो थोड़ी सी रेती ऐड कर लीजिए और सूखा हुआ गोबर ऐड कीजिएगा। ओके, पाउडर उसका चूरा ओके करना है। उफली लेके आ जाइए गोबर बाहर ना, कोई भी गौशाला से, उसको के पाउडर करना है, पाउडर करके उसको छानना है और फिर आपको उसमें मिट्टी में ऐड करना है। और फिर मिट्टी को भी माइक्रो ग्रीन्स के लिए मिट्टी को छानना जरूरी है। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? हाँ। ये मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया है सारे इसमें। अब इसके ऊपर एक लेयर ऑफ मिट्टी में डालूंगी वापस से। ये लेयर ऑफ मिट्टी ऐसे बस ऐसे मेरे को स्प्रिंकल करनी है सिर्फ, ऐसे ही बस, बिल्कुल भी दबाना नहीं है। और थोड़े बहुत अगर रूट्स ऊपर दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर दिख रहे हैं तो चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है कि सारे ढके, ऐसे भी कोई जरूरी नहीं। बस एकदम धीरे से आपको मिट्टी स्प्रिंकल करनी है एकदम नीचे एकदम यहाँ। शर्मिला जी, हाँ बोलिए, इसको जमीन पे भी डाल सकते हो क्या? नहीं, माइक्रोग्रीन्स जमीन पे नहीं चली, नहीं डालिए, क्योंकि फिर वो एकदम नीचे तक जड़ चली जाएगी तो आपका प्लांट ही बन जाएगा। माइक्रोग्रीन्स कभी भी बॉक्सेस, छोटे डब्बों में, छोटे बॉक्सेस, छोटे गमले में ही डालना है, क्योंकि जमीन पे लगाने से जड़ बहुत नीचे तक पकड़ लेगी उसकी, तो बेहतर है ट्रेज में ऐसे ही लगाएं। वापस ये वाटरिंग का तरीका जो मैंने आपने बताया, ऐसे आपको स्प्रिंकल करना है एक बार का, बहुत अच्छे से पूरा पानी डाल देना है ताकि नीचे से पानी निकलने लग जाए। और एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ कि ऐसे आप डबल बॉक्सेस लगा सकते हैं, ऐसे जैसे आप विंडो सिल में आप लगा रहे हो, फिर आपको पानी डालोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार गंदगी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर सफाई का टेंशन रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे डब्बों को डबल डब्बे डबल बॉक्स लगा सकते हो। एक बॉक्स में ये छेद है आपके, इस वाले बॉक्स में तो छेद होना जरूरी है क्योंकि इसमें आपने प्लांट किया है। फिर उसके नीचे एक और बॉक्स लगा दीजिए ऐसे, ताकि आप जब वाटर करो तो पानी अलग से निकल जाए तो गंदगी नहीं हुए। साथ के साथ मैं आपको ये टिप्स भी देती हूँ क्योंकि अपने है ना हाउस वाइफ है ना, कोई भी चीज में गंदगी होगी तो फिर तो सफाई अपने को ही करना है, इसलिए ये टिप्स जरूरी है अपने लिए कि अपने सफाई भी साथ में रखें। तो ये ऐसे अपने लगाने हैं ऐसे। पानी कितना देना है, दो बार एक बार? पानी पानी जब ऊपर, वेरी गुड क्वेश्चन, पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी की ऊपर की लेयर थोड़ी सूखी हो जाए तभी। आपको जरूरी नहीं है कि रोज पानी दे, ये पहले जमाने की बातें थी कि झाड़ों को रोज पानी देना ही है, नहीं, जब ऊपर की लेयर सूख जाए हल्की हल्की सी मिट्टी की तभी आपको पानी देना है, भले दिन में दो बार या दिन में एक बार या दो दिन में एक बार, जस्ट कीप एंड वॉच मौसम के हिसाब से। ये पूरा मौसम पे डिपेंड करता है और आपने कितना पानी एक साथ डाल दिया वो उस पर डिपेंड करता है। पानी एकदम हल्का हल्का डालिए, स्प्रिंकल करके डालिए, वॉटर से ही डालिए। कोई भी आपके पास स्प्रिंकलर है तो इट्स वेरी गुड, आप स्प्रिंकलर से डालिए। तो अपने दो हो गए अभी, अपने राई किए हैं और मेथी किए हैं। इसमें अभी तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट होनी चाहिए, अपना हो गया है राइट फ्रॉम जर्मिनेशन, भिगाना, जर्मिनेट करना, गार्डनिंग कैसे करना ये मैंने बताया है। कटिंग का मैं वापस बाद में आपसे टॉपिक लूंगी एकदम अलग से, वो मैं आपको बताऊंगा। शर्मिला जी, ये पूछना था, ये जो आपने जो ये फैंसी वाला जो बैग है उसमें भी होल करना चाहिए क्या? फैंसी वाला ये? हाँ, हाँ. नहीं, इसमें होल्स नहीं आते हैं, लेकिन इसका साइज में, लेकिन आप पानी एकदम मिनिमम डालो, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आप अपनी स्टाइल में अगर पानी डाल दोगे तो ये पूरे जड़ जाएंगे। प्लांट्स कभी भी है ना कम पानी से कभी नहीं मरते हैं,
ओवर वाटरिंग से, जब भी आपका प्लांट मर गया तो आप यही सोचना कि ओवर वाटरिंग से प्लांट, ओवर वाटरिंग से ही ज्यादा मरते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि एकदम थोड़ा सा, इसमें तो बहुत हल्की सी मिट्टी, हल्की सी, जैसे ये मैंने लगाया उस दिन इसमें पानी डाला, उसके दो दिन बाद इसमें पानी डाला, क्योंकि इसमें होल नहीं है तो जाने की जगह नहीं है, तो इसमें बहुत कम पानी डालो, ऊपर की सतह मिट्टी की सूख जाए तभी पानी डालो। ये है, आप कोई भी बिना होल्स के, आज मैं भी आजकल हो जैसे ऑफिस वगैरह के लिए जो बनाती हूँ या हॉल्स वगैरह के लिए बनाती हूँ, तो बिना होल्स वाले ही पॉट्स बनाती हूँ ताकि लोगों को मेंटेन करने में इजी रहे, लेकिन बस उसमें पानी थोड़ा कम डालना पड़ता है। जैसे ऑफिस में आप पानी डाल दिए, पूरा टेबल पे बाहर आ गया पानी, तो मैस हो जाएगा ऑफिस की टेबल पे वगैरह। तो आप बिना होल्स वाले इसमें भी लगा के आपके ऑफिस के टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, शेल्व्स, रैक्स, सब जगह आप रख सकते हो उनको, वो इजी हो जाएगा, गंदगी नहीं होगी। और पानी लेकिन आपको हिसाब से डालना पड़ेगा उसमें। अभी नेक्स्ट अपने लगाते हैं, इसमें मैंने ये गेहूं का देखिए स्टिकर लगा के रखा है, गेहूं वीट का स्टिकर मैंने लगा रखा है इसके ऊपर। ऐसे आप टैगिंग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आराम रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या उगा रहे हो और क्या खा रहे हो। ये कमला जी, हाँ, मेथी का प्लांट बताइए। मेथी का प्लांट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती थी। ये राई का अवेलेबल था, अभी ये मैं गेहूं का बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट में तो मेथी का क्या प्लांट आएगा, कितना बड़ा होगा? कहती है ना अपनी बाजार से अपने मेथी खरीदते हैं, वो ही आएगा सीन। ओके, सब छोटे छोटे पत्तियां आएंगे उसके ही, आप उसको डायरेक्ट निकालो, सैलेड्स में डालो, बर्गर्स में डालो, कढ़ी में डालो, खिचड़ी में डालो, जिसमें आपको डालना है डालो। ये राई का पत्ता तो, ये राई का पत्ता तो कोरा भी इतना अच्छा लगता है, जैसे आप तेल में जो सरसों के तेल की जो खुशबू आती है ना अचारों में, फ्लेवर आता है राई की पत्ती का, आप कोरी भी खा लो तो इतनी टेस्टी लगती है। जैसे ये राई की पत्ती है, इसको आप निकाल के राइट नाउ एकदम ऐसे ही, ये देखिए राइट नाउ आप ऐसे ही तोड़ी और राई ऐसे ही आप खा सकते हो इसको, ऐसे ये तोड़ा और ऐसे ही ये सब्जी और में डाल सकते हैं। हाँ, ये माइक्रोग्रीन्स का फायदा है, आप ऐसे उठाए तोड़े और खाए और इतना अच्छा फ्लेवर आता है, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये सब सब्जी में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी में भी। धनिया का बताइए, धनिया का प्लीज। धनिया भी बता रही। दीज ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट। यस यस, ऑल द प्लांट्स नीड सनलाइट, 2 to 3 hours ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लांट्स। नो प्लांट, कोई इंडोर प्लांट भी अगर बोलते हैं आपको, नर्सरी वाले अगर बोलते हैं कि इंडोर प्लांट है और देते हैं, उसको भी इनडायरेक्ट सनलाइट 2 to 3 hours चाहिए, नहीं तो वो प्लांट चलेगा ही नहीं। बोलने की बातें हैं, लेकिन थोड़ा तो सांस आपको भी, इतने दिन से आप लॉकडाउन में, आपका मन करता है ना बाहर जाने का खुली हवा में, वैसे प्लांट्स को भी चाहिए बाहर सनलाइट, खुली हवा, बिना उसके नहीं चलता है। और अपन ने एक बार वो यूज कर लिया तो वो सॉइल वापस यूज कर सकते हैं कि उसी में लगा सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं, वो सॉइल रीयूज कर सकते हैं आराम से, उसी में वापस डाल सकते हैं। हाँ, एक सॉइल 2 से 3 बार आप आराम से यूज कर सकते हो, और उसके बाद 3 बार बाद में, हाँ, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए ना, फिर थोड़ा सा गोबर वगैरह ऐड कर दीजिए, थोड़ा तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, बार बार आप फिर उसमें उगाओगे तो उग तो जाएंगे लेकिन फिर उतने हेल्दी नहीं उगेंगे। हाँ, अभी शर्मिला तुम अनम्यूट हो गई हो। हाँ, ओके। अच्छा शर्मिला, भी किसी ने क्वेश्चन किया है कि अगर किसी प्लांट को कट कर दो तो वापस वो अपने आप ग्रो होएगा क्या? किसी की पत्तियां तो अपने आप ग्रो होएगा? कटिंग लास्ट में लूंगी मैं, कटिंग का टॉपिक लूंगी लास्ट में, तब फिर एक्सप्लेन करूंगी एक साथ में। अभी मैं सोनी ले रही हूँ, कटिंग लास्ट में लूंगी तब अपने बात करते हैं। इसमें मैं गेहूं लगा रही हूँ, ये गेहूं देखिए, ये 24 आवर्स भिगोए हैं, इसको भी मैंने फिर बांधा है, और थोड़े ये जैसे अपने चने मूंग कैसे स्प्राउट हो जाते हैं ना, वैसे ये स्प्राउट हो गए हल्के से, एकदम हल्के से इसमें वो आ गया है रूट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा जैसे उगने लगते ना, जैसे अंकुरित बीज कैसे थोड़े से उगे हुए रहते हैं, बस वैसे उगना है और उसको आपको लगाना है। ये है गेहूं, मतलब ये अपने जरूरी नहीं अपने डायरेक्ट लगाओ तो भी लग जाता है ये सब चीज, लेकिन ऐसे लगाने से क्या फास्ट हो जाता है प्रोसीजर, और चांसेस पूरे मतलब लाइक 90% सीड्स में से प्लांट्स निकलते हैं ऐसे लगाने, ये प्रोसीजर करने से। ऐसे आप डायरेक्टली डाल दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है।
लेकिन ऐसे ये प्रोसीजर करने से आपका वो प्रोसीजर मतलब लाइक ज्यादा हो जाता है, चांसेस ज्यादा है जर्मिनेशन की। ये देखिए गेहूं में इसमें डाल दूं, ये देखिए गेहूं है, इसमें वापस ये ऐसे स्प्रे लगा दिया, ये सारा ऐसे स्प्रिंकल किया, और वापस से इसके ऊपर अपने ऐसे एक लेयर ऑफ मिट्टी डाल दी ऐसे, बस ये स्प्रिंकल मत, बस इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी सिर्फ स्प्रिंकल करनी है अपने को, बिल्कुल भी ना दबाना है, थोड़े बहुत बीज ऊपर से दिखते रहे तो दिखे भलाई, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, मैं आपको ये बताती हूँ एक बार। ये देखिए हल्का हल्के से बीज ऊपर दिख रहे हैं, कहीं कहीं थोड़े से वो चलेगा वैसे, बस ऐसे हल्के से आपको मिट्टी डालनी होगी, पानी डाल के तो 2 से 3 घंटे हवा धूप आए वहां पे आपको रखना है। ये अपने 3 आइटम्स हो गए हैं। ये है अलसी, अलसी जो बोलते हैं ना फ्लैक्स सीड्स, ये भी डायरेक्टली खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं, 40% ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और वेरी इजी टू ग्रो, यू कैन ग्रो एनीवेयर, तो वो उस हिसाब से आप देखिए। अलसी, अलसी को भी मैंने वैसे ही 24 घंटे भिगाया है और फिर उसके बाद बांध के रखा है, और थोड़ा हल्का सा इसमें भी जर्मिनेशन है, और एक बार जर्मिनेट नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन ये प्रोसीजर आप जरूर से कीजिएगा, हल्का सा जर्मिनेट हो जाए तो ठीक है, और नहीं भी हो तो ऐसे ये प्रोसीजर करने से उसकी वो ज्यादा हो जाती है, लाइक कंटेंट्स ज्यादा हो जाता, मतलब उगने का क्षमता बढ़ जाती है एकदम से। ये ऐसे मैंने इसको पूरा फैला दिया है यहाँ पे, ये है अलसी है फ्लैक्स सीड्स, ये देखिए दिखा आपको स्प्रेड किया हुआ है इसमें, ये अलसी है, इसके ऊपर वापस से ऐसे ही अपने पानी ही डाला, ये मिट्टी ऐसे स्प्रिंकल की है एकदम हल्की सी, और पानी ऐसे डाला है इसमें, ये स्प्रिंकल स्प्रे किया बॉटल से ऐसे, पूरा एक बार का फुल भर गया, जैसे नीचे से पानी जब तक नहीं आओ ना तब तक आपको डालना रहता है एक बार का पानी, जैसे नीचे से आने लगना चाहिए ऐसे, ये थंब रूल है कि एक बार का पूरी मिट्टी गीली हो गई आपकी, ये देखिए आप नीचे से पानी आने लग गया, तब तक आप पानी डालिए और इसको छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे धूप, इनडायरेक्टली धूप, एक बार का आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इनडायरेक्ट धूप आए, डायरेक्ट धूप में मत रखिए, क्योंकि नाजुक होते हैं ना एकदम सीड्स वाले हुए हैं तो थोड़ा सा नाजुक होता है, तो इसलिए आप एक बार का इसको डायरेक्ट धूप जहाँ पे है वहां पे डालिए, फिर थोड़े से एकदम हल्के से जैसे ये आ गया ऐसे हल्के से जब बढ़ने लगे निकलने लगे ना तब आप है ना इसको इनडायरेक्टली 2 से 3 घंटे जैसे खिड़की से धूप आती है वैसे में या बालकनी में वैसे रख सकते हो, एक बार का जब लग जाए तो थोड़ी कम धूप आ रही है शेडी जगह पे रखिएगा, और फिर उसके बाद अगर धूप आने फिर थोड़े से जैसे बढ़ने लगे तो फिर आप इसको उसमें रख सकते हो कि इसमें आप रख सकते हो जहाँ अच्छे से धूप आए वहां पे। तो ये हो गए आपका, इतने आइटम्स मैंने कर दिए हैं। अब है अपने चना और मूंग, अपना एक चना और मूंग जो अपना नॉर्मल अपन उगा के जैसे स्प्राउट करके अपने करते हैं ना वैसे, ये देखिए मूंग है नीचे, ये देखिए उगे हुए हैं वैसे ही, या ईस्ट वेस्ट इज ओके, ईस्ट वेस्ट सनशाइन इज ओके, नॉर्थ में थोड़ी कम आती है, ईस्ट वेस्ट में थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन छन के आई हुई जो चलेगी बालकनीज में जो रहती है ना, ब्यूटी शोइंग वाली रोल ऑफ बायो बैक। ये पौधे कितने दिन तक रहते हैं? हाँ ये पौधे 20 डेज तक रहते हैं, मतलब उगने के बाद भी आप 8 से 10 दिन पूरे उग जाते हैं, उसके बाद भी 8 से 10 दिन तक आप रख सकते हो इसको फिर, लेकिन आपको फिर उसके बाद कटिंग करनी पड़ेगी, मैं वो जो कटिंग लूंगी ना तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इसमें मूंग डाला है मैंने, जैसे स्प्रिंकल किया पड़ेगा जी, जैसे ऐसे स्प्रिंकल किया, इसमें नीचे कपड़ा लगाना पड़ेगा
हाँ ये सब में, सब में ये ऐसे, इसलिए मैंने ये खाली रखा, ये ऐसे नीचे कपड़ा लगाओ क्योंकि छेद जरूरी है, ये छेद, ये छेद के अंदर ये कपड़ा जरूरी है, कोई भी कपड़ा लगाइएगा तो पानी डालोगे तो मिट्टी पूरी नहीं निकलेगी, ये ऐसे हैं। फिर इसके बाद में आपको इसके अंदर, इसके अंदर मिट्टी भरनी है, इसके अंदर ऐसे मिट्टी भरनी है इतनी, थोड़ी कम, ऐसे हल्की सी कम मिट्टी ऐसे भरनी है। फिर इसके बाद में आपको, मैंने इसमें मूंग लगाया है ये देखिए, और इसमें लगा रही हूँ मैं चना, ये लगा रही हूँ मैं चना, ऐसे चना ऐसे इतना, जैसे जैसे पूरा ये भर गया है, देखिए पूरा भरा हुआ है मतलब, लेकिन एक के ऊपर एक, हल्के से एक के ऊपर एक आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक के ऊपर एक मत कीजिएगा, लेकिन ऐसे फ्लैट ही लगा के रखिएगा। ये देखिए इसके ऊपर अपने मिट्टी डाले हैं वापस से, ये ऐसे मिट्टी डाले हैं इसके ऊपर अपने ऐसे, और ये कप के ऊपर आपको लगा के ऐसे बताती हूँ, ये है चना और ये है मूंग। मैंने आपको छेद पे कपड़ा लगाने बताया, उसके बाद मिट्टी डालना है, मिट्टी के डालने के बाद सीड स्प्रिंकल करनी है, सीड स्प्रिंकल करने के बाद में वापस मिट्टी स्प्रिंकल करनी है। ये है मेरा चने का पेड़, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखा आपने, ये आप किसी को गिफ्ट भी करोगे तो इतना सुंदर लगेगा, ये 10 से 15 दिन में ऐसे आ जाते हैं। आपको प्लांट्स नहीं लगाना है, आपको माइक्रोग्रीन्स लगाना है, इसीलिए मैंने बोला कि आप है ना जमीन में मत लगाइए, ट्रेस में लगवा, ट्रेस में लगाइए। और ये देखिए मेरा चने का झाड़ है, इतना छोटा सा, इतना सुंदर। अभी मैं कटिंग करूंगी तब सबको आपको बताऊंगी कि कैसे कटिंग करना है और कैसे यूज करना है, ये अभी अभी अपने ग्रोइंग पार्ट ले रहे हैं। तो ये देखिए चने का झाड़ है, इसमें मैंने चना लगाया, इतनी छोटी सी जगह, ये सिर्फ 4 से 6 इंच भी नहीं है, ये 4 इंच होगा हार्डली, ये 4 इंच में मैंने ये इतनी सी जगह में ये चना उगाया है। चना ऐसे ही स्प्राउट किया, 12 घंटे भिगो के रखे, फिर 12 घंटे उसको स्प्राउट होने दिया, फिर उसके बाद में इसमें लगा दिया, और ये मेरा इसके ऊपर डेट शायद निकल गई मेरा, या 10-15 दिन पुराना है, इसमें डेट कर दिया वो, इसके मतलब आप टाइम में इसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी कोई किसी के यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है तो जल्दी भी उग जाएगा, धूप थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा जल्दी उग जाएगा, किसी के पास मिट्टी थोड़ी कम अच्छी है, धूप थोड़ी कम है तो लेट थोड़ा उगेगा, लेकिन उगेगा जरूर 100% उगेगा तो सही। आप थोड़ा सा थ्यावस रख के इंतजार करो, प्यार से उसको पालो पोसो तो जरूर से वो आपको फल देगा ही देगा। ये माइक्रोग्रीन्स सारे अपने हो गए, अभी मैं धनिया बताती हूँ लास्ट, फिर माइक्रोग्रीन्स की कटिंग अपने लेंगे। अभी मैंने अभी आपको 6 आइटम्स लगा के बताए हैं कैसे किसको किसको कैसे लगाते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोली आपको कि अगर मैं ज्यादा बताती रहूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे ही पानी डालना है शर्मिला जी, कीजिएगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा क्या है। जो मूंग का नहीं बताया, हाँ मूंग का बताया ना, मूंग का, मूंग अभी तो लगा के बताई आपको, मूंग में चना, चना बताया, मूंग का चना बताया, चना, हाँ मूंग का प्लांट नहीं है वो, सैलेड में यूज हो गया था, मंग लगाया था मैंने, बस ऐसे ही चना का जैसे आएगा वैसे आप ग्रो करो, आपको सबको टैगिंग करके रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कौन सा है क्या है, जो आपको पता चल जाएगा। सब सारे प्लांट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको कोशिश की थी सब मैं बताऊं करके। ये देखिए शंख जैसा पॉट है, ये शंख का पॉट है, ये सब गिफ्टिंग वगैरह आपको करना है तो आप इस टाइप के पॉट्स ले सकते हो, ताकि इसी में आप उगाओ और इसी में गिफ्ट करो, पहले से आप प्लान कर लो तो उस हिसाब से आप इसी में लगा दो कि आपको गिफ्टिंग, फिर क्योंकि शिफ्टिंग में फिर माइक्रोग्रीन्स खराब हो जाते हैं, माइक्रोग्रीन्स को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली जिसमें उगाए हैं उसी में आप खा लीजिए और उसी में यूज कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ये धनिया है, धनिया ज्यादातर मैं इस, जो भी ये बीज मैं ली हूँ जो मैंने अपने घर में जो अवेलेबल है जो अपने दाना वाले से लेते हैं वही बीज है, क्योंकि मैंने सारे इंडियन माइक्रोग्रीन्स लगाए हैं। अगर आपको इम्पोर्टेड माइक्रोग्रीन्स लगाने हैं कुछ जैसे एमरथस चौलाई और रेडिश इस टाइप के भी रहते हैं, मैं लिस्ट शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में आपको चैट बॉक्स में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो उसमें लिस्ट में दे दूंगी आपको कि कौन से प्लांट्स आप हर्ब्स में लगा सकते हो और कौन से प्लांट्स आप माइक्रोग्रीन्स में लगा सकते हो। मैं आज 2 टॉपिक ले रही हूँ, माइक्रोग्रीन्स और हर्ब्स,
अभी अपने माइक्रोग्रीन्स कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको हर्ब्स दूंगी, तो हर्ब्स थोड़ा स्टाइल उसका अलग होता है लगाने का, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और दोनों में कौन से सीड्स यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, या बेसिल आई एम गोइंग टू टेक, इट इज इन माय हर्ब्स वाला सेक्शन, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो ये हर्ब्स और माइक्रोग्रीन्स दोनों मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है और कैसे कटिंग करना है, कैसे मेंटेन करना है, सारा ही बताऊंगी। अभी जैसे आपको ये धनिया बता रही हूँ, धनिया ये जो अपना नॉर्मल घर के सीड्स मैंने सारे लिए हैं, और अगर आपको कुछ हाई फाई सीड्स चाहिए, कुछ ऐसे इम्पोर्टेड वाले चाहिए, बेसिल जैसे बेसिल का सीड्स चाहिए, ये सब चाहिए, ये आप अमेजोन से मंगा सकते हो। लेकिन नॉर्मली अपना चना, अलसी, गेहूं, ये सब तो नॉर्मल अपने जो दाना वाली दुकान में मिलते हैं वो ही लीजिए, वो बेस्ट है, जो आप खा रहे हैं वही अच्छा है, बेस्ट से बेस्ट वही लेके आप लगाइए तो अच्छे से उग जाएंगे और आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। और ये जो धनिया है, ये धनिया ऐसे मैंने इसको बेलन से इसको आधा कर दिया, क्योंकि धनिया में एक में दो सीड्स होते हैं, दिख रहा होगा आपको, धनिया में एक में दो सीड्स हो जाते हैं, इसको मैंने बेलन से आधा कर दिया, बेलन से आधा करके इसको ये ऐसे ले लिया। अब ये यहाँ पे ये मिट्टी है, ऐसे डाली है मैंने मिट्टी, और इसमें मैं ऐसे इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ, बस जैसे उसको स्प्रिंकल, इसको भिगाने की जरूरत नहीं है धनिया को, इसको ऐसे ही अपने आधा कर दो और ऐसे स्प्रिंकल कर दो, जैसे वो सब अपने स्प्रिंकल किए वैसे ही इसको भी स्प्रिंकल कर दो। ये ऐसे आपने ये कर दिया, ये हो गए सारे माइक्रोग्रीन्स। ये सारे मैंने उगाने बता दिया आपको। अब आपको मैं बताती हूँ चॉपिंग पार्ट। शर्मिला, शुड वी सोक द धनिया सीड्स? No, I just told you ना, you don't need to soak them। ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे गेहूं है इसका डबल आप कर सकते हो, जैसे डबल हार्वेस्टिंग कर सकते हो, सिर्फ गेहूं में आप ऐसे ऊपर से कट करोगे तो नीचे 2 इंच आपको छोड़ना है, नीचे 2 इंच छोड़ के ऊपर से कट करके यूज करना है। ये आप यूज कर सकते गेहूं के, आप तो जूस बना के, गेहूं का आप जूस बना के ले सकते हो। ये देखिए ऑलमोस्ट 2 इंच है, ऐसे आपको कटिंग करनी है। ये आप निकाल दिए, इसका आप अदरक और नींबू डाल के जूस बना दीजिए, कुछ भी ऐसे जूस वगैरह, जैसे सुबह में बहुत लोग ग्रीन जूस लेते हैं, तो ग्रीन जूस अगर आप इसका बना के लेंगे तो ये आपके लिए घर का केमिकल फ्री आपका ग्रीन जूस बन जाएगा। तो ये वाला है, ये गेहूं की चॉपिंग मैंने बताई। अगर आप एक साइड, लेकिन आपको चॉप कर रहे हो तो आप ऐसे है ना पूरा एक साइड ही चॉप करोगे, फिर आधा आधा नहीं चॉप करोगे, एक बार इस पूरा चॉप कर दो, ताकि वापस ये थोड़ा सा और थोड़े दिन में वापस ग्रो हो जाए। ऐसे नहीं कि आप आधा चॉप कर रहे हो आधा रख रहे हो, वैसे मत कीजिएगा। अगर आपको एक बार में इतना पूरा नहीं लगता है, तो छोटी इसमें मैंने बगाई बनाया, अगर बड़ा इसमें है एक बार में नहीं लगता है तो बाकी का आप डब्बों में डाल के फ्रिज में, जैसे धनिया पत्ती वगैरह स्टोर करते हो ना वैसे आप स्टोर कर सकते हो। अब जैसे इसमें भी आप ये देखिए है चना को भी मैंने ऐसे नीचे से, ये चना लेकिन सेकेंड टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैं इसको ऐसे नीचे से थोड़ा छोड़ के ही चॉप कर दूं, ट्राई पता वापस लग भी जाए। शर्मिला, if it is growing it's good, it's a bonus for us, if not it's all right to dispose it। शर्मिला के बाद में, शर्मिला हाँ, can what type of soil do we use? Let me keep on telling us, I have herbs to do, so many things to do, I have so told about soil so many times, if I keep telling you about soil you will not get herbs wala section, let me finish it, questions you put it in the chat box please। ये है, ये chopping किया है इसको, अगर आप इतना सा सामने का use एक बार में करोगे तो चल जाएगा, फिर इतना सारा आपका बचता है तो you just can, you can keep this in the boxes like you keep your धनिया कड़ी पत्ता and you can use it as and when you require। ये ऐसे आपको chopping करना है, ये चना का मैंने chopping करके बताया, ये गेहूं का किया मैंने, और ये राई का भी आपको वैसे ही चॉपिंग करना है, जैसे ये राई है, ये राई का ये ऐसे ऊपर से ऐसे
ऐसे होल्ड किया, ये देखिए आप देखिए ऐसे होल्ड किया यहाँ से, जैसे बाकी सबके लिए भी मैंने बताया वैसे, ये देखिए ऐसे होल्ड किया ऊपर से, नीचे से ऐसे इसको कट करना है, ये ऐसे, ये आपका राई कट गया। तो ये आप जैसे भी आप सब सैलेड्स में, बर्गर्स में, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे ही। आप धनिया किसी को अगर कोई घर में बैनी है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या डाला, बस स्वाद आएगा तो लोग सोचेंगे हाँ ठीक है इट्स गुड, दे विल ऑल्सो टेल कि आज धनिया है, धनिया पत्ती में इतना अच्छा स्वाद कैसे आ रहा है। दिस इज व्हाट हाउ वी डू। ये सारे है चॉपिंग मैंने बता दिए। अभी मेरा एक बार का माइक्रोग्रीन्स का टॉपिक पूरा हो गया है। अभी मैं हर्ब्स लूंगी, उसके पहले मैं एक छोटा सा वीडियो, जब मैं हर्ब्स की तैयारी करती हूँ तब तक आई टेक अ स्मॉल वीडियो जिसमें आफ्टर कटिंग विल इट ग्रो अगेन, आफ्टर कटिंग विल इट ग्रो अगेन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कैन टेक अ चांस। गेहूं तो होगा, उगेगा ही उगेगा, बाकी प्लांट्स के साथ यू कैन टेक अ चांस, अगर उग रहे तो ठीक है, नहीं उग रहे तो नहीं उगेंगे। प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। नाउ आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ छोटा सा कि अपना गार्डन जनरली कैसे, मतलब आप सजा सकते हो, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाई हूँ छोटा सा, वो वीडियो देखिए आप। तब तक मैं हर्ब्स आई शो यू, देन आफ्टर दैट आई शो यू हर्ब्स, टिल दैट आई डू द हर्ब्स वाला दिस थिंग। Audio quality is very poor. There's no sound on it. क्या हुआ? क्यों क्या ब्यूटीफुल म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही शर्मिला। आवाज म्यूट रखा है उन्होंने। अच्छा तो क्या समझ आएगा क्या है? खाली फोटो देखो। शर्मिला जी अपना सिर्फ डेकोरेशन बता रही है कि वो उन्होंने अपने घर को किस तरह पहले सजाया है। हाँ तो ये सब किस चीज का है वो नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि ये कितने डेकोरेटिव और किस तरह के प्लांट्स है। क्या ये सब टेबल्स प्लांट है? हाँ टेबल प्लांट है ना। नहीं टेबल्स यानी खाने वाले? नहीं 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 टेबल नहीं है, सब टेबल नहीं है। नहीं नहीं ये सिर्फ शो के प्लांट्स हैं। सिर्फ शो के प्लांट्स हैं, टेबल्स नहीं है।
चलो थैंक यू। अभी अपने जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हर्ब्स है। हर्ब्स में अपने लेंगे कि हर्ब्स थोड़े से माइक्रोग्रीन्स से थोड़े बड़े वाले प्लांट्स रहते हैं हर्ब्स। आई मीन आर यू एबल टू हियर मी? आई थिंक सो। वॉइस कहाँ से आ रही है? वॉइस आ रही है। एक मिनट शर्मिला प्लीज सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट पे रखिए। वैसे हमने म्यूट ऑल किया है फिर भी पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। प्लीज सब लोग अपने अपने आवाज को म्यूट कर दे, अनम्यूट रखेंगे तो आवाज आएगी सबको। शर्मिला यू कैन स्टार्ट नाउ। अभी अपने सेकेंड टॉपिक है अपना हर्ब्स। हर्ब्स माइक्रोग्रीन से थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ज्यादातर अपने मसाले जो होते हैं ना उनको ज्यादातर वो होते मसाले जो होते हैं वो हर्ब्स। तो अभी मैं आपको हर्ब्स अभी आई शेयर द लिस्ट की बोले उसको सब्जी बनाओ पागल है क्या आते हैं और हर्ब्स में क्या आते हैं। हेलो शर्मिला जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, इसमें क्लियर नहीं आ रही है। या तो आप लोग सब अपना अपना एक बार वीडियो बंद कर दोगे तो शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर एक बार अपना अपना वीडियो बंद कर दीजिए। शर्मिला तेरी आवाज को नहीं आ रही बिल्कुल भी। तेरी आवाज को नहीं आ रही है। जय श्री कृष्णा नारायण नारायण आ रही है। ठीक है अभी अपने हर्ब्स लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स। हर्ब्स है माइक्रोग्रीन से थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो ज्यादातर मसालों में यूज होते हैं। मसाले जो है वो हर्ब्स से भी शायद मोटा मोटी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अपने वैसे बोल सकते हैं। तो उनको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सेम वैसे ही नीचे मैंने ये पॉट्स थोड़े से कम ज्यादा गहराई वाले पॉट्स लिए हैं। उसमें नीचे से वैसे ही कपड़ा लगाया है और ये तो छोटे पॉट्स है लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया बताती हूँ। अगर बहुत बड़े पॉट्स है ये छोटा है तो फिर भी आप डालो नहीं ठीक है। लेकिन बहुत बड़े पॉट्स रहते हैं और इतनी सारी मिट्टी अगर आपको लगता है कि इतनी मिट्टी में ही पूरा पॉट खत्म हो जा रहा है एक आइडिया आपको देती हूँ। जैसे आम की आपकी पेटियां रहती है कचरा है अपने गार्डन प्लेट लेके जाऊं कौन खाना बना रहा है? म्यूट करो प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शर्मिला जी आप अनम्यूट आप कर दीजिए ना म्यूट कर। वो कर रहे हैं बार बार पता नहीं कैसे अनम्यूट। अभी मेरा लड़का जस्ट म्यूट करके गया सबको लेकिन वो वापस बार बार कैसे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मंजू जी चवर आप अपना म्यूट करिए अनम्यूट करिए आप अपना आप अपने आप को आपकी आवाज। मैं तो म्यूट ही हूँ मैं चालू करिए आप यहाँ चलो ठीक है चलो इट्स ऑल राइट। अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये है ना नीचे अपने ऐसे ड्राई लीव्स जो आम की पेटियों में जो आता है कचरा वो कुछ भी डाल के आप नीचे का हिस्सा जो है गार्डन का वी कांट हियर गार्डन का जो है वो आप ऐसे नीचे डाल सकते हो ताकि आधा पॉट आपका उससे भर जाए तो कम लगे और पॉट का वजन भी थोड़ा हल्का हो जाए। कल जो ऐसे यूज करते कोकोपीट यूज करते हैं मिट्टी का वजन पॉट्स का वजन कम यूज करने के लिए। देसी स्टाइल पॉट्स का वजन कम करने के लिए नीचे आप आधा पॉट इससे भर दीजिए गार्डन बेस से जो सूखी हुई पत्तियां सुखाना पड़ेगा लेकिन आपको सूखी हुई पत्तियों से आप इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप सेम वही स्टाइल में ऐसे मिट्टी डालिए ऊपर से नीचे आपने पेपर कपड़ा लगाया है फिर आपने ये लगाया है पेपर गार्डन का वेस्ट या सूखी पत्ती जो भी है और फिर इसके बाद में आपने ये इसमें डाला है मिट्टी। इसके लिए आपको मिट्टी छानने की जरूरत नहीं है। हर्ब्स के लिए आपको मिट्टी छानने की जरूरत नहीं है। हर्ब्स में आप बिना छानी हुई मिट्टी भी डाल सकते हो और हर्ब्स है 40% जो आप नर्सरी से मिट्टी लाते हो वो 20% रेती 20% ये क्या इसको बोलते हैं अपना काउ डंग सूखा हुआ गोबर का वो
तो 20% 40-50-60-70 हो गया, और 10% आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हो कि नहीं 60% आप ले लीजिए आपकी नर्सरी की सॉइल जो गड़गा मिट्टी लेके आते वो, और 20% आप इस पे चाहिए तो 20% रेती डालना है तो ही डालिए, अगर मिट्टी चिकनी है आपकी आई हुई जो गार्डन से आई हुई वो मिट्टी चिकनी है तो ही 20% रेती डालिए, नहीं तो रेती की कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो आप उस हिसाब से आप प्रोपोर्शन एडजस्ट कर लेंगे, अगर मिट्टी चिकनी है तो 20% रेती डालिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं, और जो अपना मैजिक सॉइल कंपोस्ट मैंने बताया आपको वो 20% इसमें जरूर से डाल लीजिए ताकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स आने हैं वो आपके कंपोस्ट से आएंगे जो मैजिक सॉइल मैंने बताया उससे, तो ये ऐसा आप मिट्टी का मिक्स कर लीजिए पूरा, और फिर उसके बाद नीचे आपने डाला है पेपर, उसके बाद में आपने डाला है ड्राइड लीव्स, और उसके बाद में आपने डाला है जो मैंने बताया है वो मिट्टी। मिट्टी के बाद में मैं आपको बताऊंगी हर्ब्स, हर्ब्स कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये अजवाइन भी एक हर्ब्स में आता है, तो अजवाइन की अगर आपको कटिंग डायरेक्ट कटिंग से लग जाता है अजवाइन, लेकिन आपको देखना है कि एक हेल्दी स्टिक ले आप, ऐसे हेल्दी वाली स्टिक ले और नीचे के जो पत्ते भाई वो ऐसे कट करके आपको लगाना है, नीचे के जो पत्ते है उसको ऐसे आप कर दीजिए। नीचे के पत्ते ऐसे सारे कट कर दीजिए, लेकिन पूरे पत्ते नहीं कट करनी चाहिए, सामने के पत्ते थोड़े ताकि प्लांट को फूड बनाने के लिए थोड़ी सी क्या है सनलाइट वगैरह लेके फूड बनाने का काम पत्तियां करती है, तो अगर आप पूरी पत्तियां कट कर दोगे तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा, फूड बनाएगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको ये थोड़ी पत्तियां रखनी है और नीचे की पूरी पत्तियां आपको हटा देनी है, इसको बोलते हैं नोड्स, तो आप ऐसी थोड़ी सी डंडी ऐसी जाड़ी डंडी ऐसे जाड़ी डंडी लीजिए, नोड्स इसको बोलती है, देखिए नोड्स आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ये जो साइड में जो डंडियां जो होती है ना उस जगह का जो ज्वाइंट होता है उसको नोड्स बोलते हैं, तो ये नोड्स ऐसे दो से तीन कम से कम ऐसे नोड्स ऐसे दो से तीन कम से कम नोड्स ऐसे होने चाहिए डंडी में, तो वो डंडी फास्ट यहाँ से आपकी नई पत्तियां आती है और डंडी उगती है तो ठीक रहता है, ये दिस इज द वे टू हैंडल इट लाइक दिस, इसको ऐसे आप करना चाहिए, क्रॉस पे 45 डिग्रीज में कट कीजिए, नीचे की पत्तियां हटाइए, नोड्स दो से तीन होने चाहिए, ऊपर की पत्तियां रहनी चाहिए क्योंकि ये फूड बनाती है तो ये जरूरी है, फिर इसके बाद में आप इतना हिस्सा अंदर डाल सकते हो, ये 3-4 इंच का हिस्सा आपको अंदर डालना है मिट्टी में तब ये हो गया, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है इस हर्ब्स को कैसे बनाना है, ठीक है, ये आपने मैंने ऐसे प्रेस किया अंदर, ये अंदर चला गया, अब इसके अंदर जैसे मैंने माइक्रोग्रीन्स में मैंने क्या बताया कि मिट्टी को दबाओ मत, लेकिन इसको आपको मिट्टी को एकदम अच्छे से टाइटली दबानी है, एयर पॉकेट्स नहीं होने चाहिए मिट्टी में, बिल्कुल भी एयर पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे पूरी मिट्टी को आप दबाना चाहिए, दबा के पूरी मिट्टी टाइट कर दीजिए और पूरा ऊपर से वापस ऐसे भर दीजिए मिट्टी, ऐसे भर दीजिए ऐसे पूरी मिट्टी भर के, और इसको वापस से ऐसे प्रेस कर दीजिए, बार बार इसको ऐसे प्रेस करके पूरा दबा दीजिए और ऐसे खड़े कर दीजिए, एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, नहीं तो उसमें से वाटर लॉगिंग हो जाता है एयर पॉकेट्स से और फिर प्लांट आपका मर जाता है, फिर इसको सेम वैसे ही है ये हो जाए आपका, फिर उसके बाद सेम वही स्टाइल है वाटरिंग की, आपको ऐसे वाटर करना है, ये इसी से आपको वाटर करना है, नीचे से पानी आ जाए उतना आप वाटर कीजिएगा, पूरा पानी से हो जाए इसके बाद ये नीचे से पानी आ जाए उतना आप इसको वाटर करना चाहिए, फिर इसको आप एक बार के लिए थोड़ा सा जहाँ सनलाइट कम है वैसी जगह पे रखिए, फिर 2-3 घंटे की सनलाइट हर एक चीज के लिए चाहिए जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप इसको एकदम छांव में रख दोगे वैसे नहीं चलेगा, दिस इज अजवाइन, अजवाइन का पेड़ कैसे लगाते हैं ये सॉरी प्लांट हर्ब कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया है, अभी मैं आपको ले रही हूँ नेक्स्ट बेसिल, बेसिल कैसे लगाते हैं, बेसिल सीड से भी लगा सकते हो आप, बेसिल सीड से भी लगा सकते हो, और बेसिल को अगर आपको कटिंग से लगाना है तो कोई भी आपकी फ्रेंड के पास अगर हो बेसिल प्लांट तो आप उनसे लेके आ जाइए ऐसे बेसिल प्लांट, और वही उसके नीचे के जो पत्ते हैं हल्के से ये ऐसे कट कर दीजिए, और इतना पार्ट नीचे का ये इतना पार्ट नीचे का खाली रहे और ऊपर ऊपर के लीव्स रहे, वैसा इसको पानी में डाल के रखिए, देखिए पानी में इसके रूट्स ग्रो करना है, ऐसे इसकी ग्रो करने की शक्ति क्षमता बढ़ जाती है, तो इसको अगर आप पानी में 4-5 दिन डाल के रखेंगे तो ऐसे रूट्स आ जाएंगे, 5 दिन 8 दिन जैसे भी आपका
कोई कोई कभी जल्दी बढ़ जाता है, कभी लेट बढ़ता है। तो 5 से 8 दिन तक आप पानी में रखिए, लेकिन 2 से 3 दिन में एक बार पानी को चेंज करती रहिए। फिर ऐसे रूट्स जब आ जाएंगे तब आपको इसको पॉट्स में उगा देना है। ये देखिए मैंने जो आपको बताया था वैसे ही पॉट्स मैंने ये रेडी करके रखे हैं। नीचे पेपर है, उसके बाद में ड्राइड लीव्स है, उसके बाद में मिट्टी है। इसके अंदर मैंने ये होल किया ऐसे, ये ऐसे लगाया, ऐसे टाइट किया। इसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, एयर पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए हर्ब्स में। कभी भी आप ऐसे प्रेस करके और फिर इसको मिट्टी से सारा भर दो। ये आपका है बेसिल। बेसिल आप है ना कटिंग से भी लगा सकते हो और उससे भी लगा सकते हो, सीड से भी लगा सकते हो। अगर आपको बेसिल का सीड चाहिए तो Amazon या ugao.com से मिलता है, वहां से आप ले सकते हो। ये मेरा बेसिल है, ये भी एक बेसिल है, एक टाइप का। ये अलग टाइप का बेसिल है, अलग अलग टाइप बेसिल में भी 2-3 जैसे तुलसी में अपने 2-3 तरह के तुलसी आती है, मतलब लोग तो बोलते हैं 25-50 तरह की भी तुलसी आती है, वैसे ही बेसिल में भी अलग अलग तरह की तुलसी आती है। ये अपना है रेड बेसिल है। ये मैंने Amazon से सीड्स मंगवाए थे और उसको सीड से ग्रो किए थे। ये 10 से 15 दिन में इतना बड़ा हुआ है। और ये डायरेक्ट मैंने मेरी फ्रेंड से कटिंग ली और उससे रूट्स उगाए और रूट्स उगा के उसको ऐसे ग्रो किया था स्टार्टिंग में। अभी तो मेरे पास है तो मैंने उसी से कटिंग लेके ये आपको बताया है। ये बेसिल के 2 तरीके है उगाने के, कटिंग से और सीड से। ये 2 तरीका है बेसिल को उगाने का, सेम और प्रोसीजर वही है। नीचे आप पेपर लगाइए, मिट्टी का आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया, एयर पॉकेट्स नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम जगह धूप कम है वहां पे रखिए, फिर उसके बाद में छनी हुई धूप 2 से 3 घंटे की चाहिए सभी को। छनी हुई धूप मतलब आप बालकनी में या खिड़की में जहाँ से क्रॉस में से भी धूप आती है वो भी चलेगी। ऐसे जरूरी नहीं है कि ऊपर से डायरेक्ट आप धूप आए वहीं रखे, ऐसे जरूरी नहीं है। ये 2 हर्ब्स हो गए मेरे आज के। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पान का लीव्स। पान भी वैसे ही ये ऐसे उगाए हैं मैंने। पान भी कटिंग से लग जाता है। कोई भी आपकी फ्रेंड के पास अगर पान हो तो आप बिंदास उनसे पान का कटिंग लेके आ जाइए और उसको भी वापस, ये देखिए पान के भी मैंने वैसे ही कटिंग लेके आई हूँ और पानी में रखा है और ऐसे रूट्स ग्रो कर लिए। इतने रूट्स ग्रो हो गए, ये पानी में इतने रूट्स ग्रो हो गए हैं। तो ये पान की कटिंग ली, पानी में रूट्स ग्रो किए, सेम जैसे अजवाइन और बेसिल जैसे ग्रो किया वैसे ही इसको आपको लगाना है। इसके आप ऐसे गिफ्टिंग के बास्केट भी ऐसे बना सकते हो। ये देखिए ये मैंने गिफ्टिंग के लिए ये बास्केट बनाई है ऐसे। तो ये आपकी गिफ्टिंग कर रहे हो और ऊपर से हर्ब्स कर रहे हो, सोचो मतलब एवरी टाइम दे विल हैव पान, दे विल रिमेम्बर यू, अरे ये मेरे को संगीता ने दिया था कितना अच्छा है। मतलब जब भी वो उस लीव में से कुछ खाएंगे या पानी भी डालेंगे ना तो याद रखेंगे कि अरे इसमें पानी डालते हो तो आपका याद करेंगे, ये पॉट मुझे शर्मिला ने दिया था। या मतलब जैसे दिस इज हाउ टू रिलेट, भी आप कोई गिफ्ट देते हो, इतना भारी का भी गिफ्ट देते हो, वो अपने ना सोने की गिन्नी भी देते हो ना आप, तो उठा के वो रख देते हैं अलमारी में, आपको रोज रोज याद नहीं करते हैं। लेकिन ये आपका है, ये आपका, ये ऐसे गिफ्ट है जो आपको ऑलवेज आपसे रिलेट करेंगे, लोग आपको याद करेंगे कि अरे ये गिफ्ट मेरे को इसने दिया, मतलब ये ज्यादा वैल्यूबल है आपके दूसरे गिफ्ट से भी। तो इसको वैसे ही उगाना है जैसे मैंने वो उगाया है वैसे ही पान को। अभी एक और मैं बताती हूँ आपको, पुदीना। पुदीना जब आप बाहर से लेके आते हो, पुदीना आप जब बाहर से लेके आते हो उसमें से जो हेल्दी वाली जो डंडियां आपकी रहती है, जब पुदीना बाजार से लेके आते हो उसमें से हेल्दी वाली जो आपको लगे डंडियां वो थोड़ी निकालिएगा आप, और उसमें ऐसे निकाल के पूरे पत्ते निकाल के ऐसे इसको भी पानी में डाल के रखिए। ये देखिए आपको दिखेगा एक हल्का सा रूट दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ना हल्का सा एक रूट आया है इसमें, ये नीचे हल्का सा रूट, और ये मैंने पत्तियां सारी निकाल दी थी तो ये छोटी छोटी पत्तियां भी आने लग गई है। देखिए एकदम छोटी सी पत्तियां आने लग गई है। ये देखिए यहाँ पे भी छोटी पत्ती आ रही है, यहाँ पे भी छोटी पत्ती आ रही है, ये भी छोटी पत्ती, यहाँ पे भी एक छोटी पत्ती आ रही है, सब छोटी छोटी पत्तियां ऐसे। ये देखिए वीडियो सामने रखती हूँ आपको दिखेगा ऐसे। इसको भी आपको 8 से 10 दिन पानी में उगाना है और 2 से 2 हर 2-3 दिन में एक बार आपको पानी बदलना है। तो ऐसे आप ये पुदीना आप ऐसे उगा सकते हो। धनिया तो मैंने बता दिया, ये पुदीना तो धनिया बन जाएगा आपका, पुदीना बन जाएगा। कड़ी पत्ता आप रूट्स नर्सरी से लाके लगा लीजिएगा। तुलसी भी आपकी आती है इसी में श्रब्स हर्ब्स में,
तो तुलसी आप बाजार से लाके, मतलब इसमें थोड़े से हर्ब्स में क्या है, थोड़े से कटिंग से लगते हैं, थोड़े रूट से लगते हैं, थोड़े सीड से लगते हैं, तो इसमें आप जैसे भी वो है उसके हिसाब से आप बना सकते हो कि आप ये कटिंग से लगा लो या कभी सीड से लगा लो जो सीड से लगता है, या कुछ प्लांट्स आपको लाके लगाने हैं तो आपको नर्सरी से लाके आप लगा सकते हो। ये वाला जो है ये इसमें ये इसको अब ये पोजीशन में है कि इसको आप लगा सकते हो, इसको भी सेम वैसे ही ये पॉट्स हैं, कैसे पॉट्स हैं, इसमें आप इसको ऐसे छेद करना, इसको थोड़ा सा नीचे, इसमें ये लंबी डंडी है तो इसको आप ऐसे ऐसे ही इसको कोई चीज से ऐसे ऐसे जगह बना लीजिए इसमें ऐसे, और इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए और फिर इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए। ऐसे ये होता है कि आप इसको प्रेस करके इसको आप ऐसे लगा सकते हो ये। ऐसे ही आप लगा दो वापस, यही है स्टार्टिंग में आप उसको कम धूप में, ये देखिए इसमें भी पूरे लीव्स आ गए, स्टार्टिंग में थोड़ी कम धूप में रखिएगा, एक दो बार अच्छे से पकड़ लेगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ एक दो पत्ते आने लग गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट मेरा पकड़ लिया है, तब फिर आप धूप में इसको रख सकते हो, लेकिन वो भी एकदम बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे धूप, इनडायरेक्ट सनलाइट इज मोर देन इनफ विच यू कैन यूज। ये ऐसे आपको वाटरिंग करना है, हो सके जब तक वाटरिंग का आप ध्यान रखिए। और दूसरा एक थंब रूल वाटरिंग का ये है कि वाटर ओनली द अपर, व्हेन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज ड्राइड, डोंट वाटर बिफोर दैट, डोंट ओवर वाटर योर प्लांट्स, दैट इज द मेन रीजन फॉर योर प्लांट्स डाइंग। ये हो गया, आपने 3 से 4 अपने ले लिए, ऐसे बहुत सारे जो पत्तियां, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रूट से लग जाते हैं, जैसे ये कोलियस है, ये कोलियस भी ऐसे ये रूट से, ये हर्ब्स में आपका नहीं आता लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, इस टाइप से ये वाले प्लांट्स भी बहुत आपको कहीं पे भी मिलते हैं। दिस वे यू कैन मेक प्लांट फ्रेंड्स, आप थोड़ी कटिंग अपने फ्रेंड्स को दे दिए, थोड़ी ले आए तो आपका भी गार्डन मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनका भी गार्डन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कटिंग लेके आप लाके लगा सकते हो। दिस इज हाउ वी हैव टू डू वाटरिंग। एक ये रह गया था, वी कैन डू डबल पॉटिंग ऑल्सो। ये देखिए ये मेरा ऊपर ये इसका प्लांट जा रहा है, चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट है ये, तो इसके नीचे मैंने जगह जो थी उसको यूज करने के लिए मैंने डबल पॉटिंग किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने जो बॉम्बे में इतनी जगह की, फ्लैट्स में ज्यादातर जगह की कमी रहती है, वैसे भी जगह की कमी नहीं भी हो तो जगह जो अवेलेबल है जितनी ज्यादा आप ग्रीनरी कर सको उस हिसाब से आप देखिए कि कितनी मैं ग्रीनरी कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उसका मैं यूटिलाइजेशन करूँ। तो इसको ये प्लांट्स मैंने डबल उगाए हैं, ये 8 तारीख को मैंने उगाए थे, आज 18 तारीख है, 10 दिन पुराने हैं ये, 10 दिन में इतना बढ़ गया है ये। और इसको वही कटिंग करना है, नीचे से 2 जगह 2 लाइन ऐसे छोड़ के आप कटिंग कर दो 2 इंच, तो फिर आपका ये वापस से ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे ऐसे मैंने कटिंग किया है, ऐसे आप कटिंग कर सकते हो, ये आपका कटिंग का तरीका होता है कि ऐसे आप इसको कटिंग कर सकते हो, और ये जगह का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, इसको डबल पॉटिंग बोलते हैं। तो ऐसे आप एक ही पॉट में जो भी जो यूज कर सकते हो, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जगह का यूटिलाइजेशन आपका हो जाएगा। ये हो गया अपना हर्ब्स एंड माइक्रोग्रीन्स। और हर्ब्स में आते हैं हल्दी आती है, जो अदरक आती है, ये सभी चीज। हाँ, नो दिस इज नॉट लेमन ग्रास, दिस वॉज वीट, दैट वॉज वीट विच आई शोड यू जस्ट नाउ इज वीट। और अभी आप हल्दी और वो भी ऐसे, हल्दी और अदरक भी ऐसे जो आती है ना, इसको पानी में भिगो के रख दो, या फिर डायरेक्ट भी कभी कभी अपने बाजार से लेने जाते हो तभी उगी हुई हल्दी और अदरक दिखती है, वो आप छांट के, आप कभी वो नहीं लेते हो लेकिन इस बार छांट के वो उगी हुई हल्दी और अदरक लेके आइए, और उसको ऐसे ही जैसे ये मैंने बताया जब अजवाइन वगैरह सब करना लगाना बताया, वैसे ही आप इसको उसको भी लगा सकते हो पॉट्स में। जैसे ये है, इसमें आप इसमें ऐसे लगा दिया और ऊपर से ऐसे रखा और ऐसे रखा और मिट्टी डाल दिया, तो ये नीचे इसको, लेकिन थोड़ा चौड़ी जगह चाहिए, डीप नहीं रह जाते कोई बात नहीं, चौड़ी जगह चाहिए ताकि, क्योंकि नीचे से भी फैलेगी, जो अदरक है हल्दी है ये सब चीजें नीचे से भी फैलती है और ऊपर से भी बढ़ती है। और इनके पत्ते आप ऊपर वाले भी यूज कर सकते हो चाय वगैरह में भी, और नीचे के भी आप यूज कर सकते हो, और नीचे तो अदरक जैसे ग्रो होगी 20 से 25 दिन में या महीने में ग्रो होने लगेगी, तो फिर आपको पता चलेगा वो ऊपर से, जैसे जैसे जहां जहां वो ऊपर ऊपर प्लांट्स आएंगे ना, वहां वहां नीचे अदरक है, आपको पता चलेगा, तो आप तब आप वो ग्रो करके निकाल सकते हो। तो आपके हर्ब्स में मैंने बताए अजवाइन, बेसिल,
पुदीना, कारी, हल्दी और अदरक, ये सब कैसे ग्रो करना और पान कैसे ग्रो करना, ये सब आपके आगे हर्ब्स में। और भी हर्ब्स है काफी जिसका मैंने लिस्ट शेयर किया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो आपको उसमें लिस्ट मिल जाएगी कि हर्ब्स और वो कैसे यूज करते हैं। और मिट्टी बनाने का और 15 डेज में एक बार आपको, जैसे कोई आप गार्डनिंग वगैरह करते हो, जैसे मैंने वीडियो में भी शेयर किया, 15 डेज में आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना चाहिए, तो उसका भी एक मैंने जो पहला मेरा वीडियो है उसका मैंने लिंक शेयर किया है। या जिंजर को अगर पहले आप सोक करके थोड़े से नोट्स उसके प्लांट्स आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप रेडी भी जो प्लांट्स बाहर मिलते हैं, मतलब रेडी अदरक जो बाहर मिलती है उसमें कभी कभी उगी भी आ जाती है, वो डायरेक्ट भी आप लेके काम कर सकते हो। अभी ये इंसुलिन का प्लांट है, ये भी दिस इज ऑल्सो दिस डजंट कम इन हर्ब्स, लेकिन मैं ये बहुत अच्छा प्लांट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी को भी डायबिटीज हो वो अगर सुबह का एक पत्ता खाली पेट खा लेता है तो उसकी डायबिटीज बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहती है और धीरे धीरे वो अपनी दवाई जो लेना इंजेक्शन या दवाई लेते हैं वो भी कम हो जाती है। और इसको अगर किसी को डायबिटीज नहीं भी है तो इसके एक दो पत्ते अगर आप सैलेड में कट करके डाल दो और सैलेड में सभी लोग खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छे गुण है इसलिए मैं सोची कि शेयर करूं, तो सबका कंट्रोल में रहता है इससे डायबिटीज। इसको भी कटिंग से अपने लगा सकते हैं और नहीं तो रूट से भी, नहीं तो ये नर्सरी में भी मिलता है, वैसे भी आप लेके आके लगा सकते हो। दिस इज इंसुलिन का प्लांट, इसको इंसुलिन प्लांट बोलने से इजीली कोई भी नर्सरी वाला दे देता है, इसका नाम ही है इंसुलिन प्लांट जो कि डायबिटीज में यूज होता है, ये बॉडी में इंसुलिन का क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप ले सकते हो, सीमा जी, संगीता जी, कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप देखिए, नहीं तो हाँ शर्मिला जी, किसी ने कुछ क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं ले पाई जिसका आंसर वगैरह तो वो आप मेरे को बोल दीजिए। गिलोय इज अ टोटली डिफरेंट, आई हैव टेकन हर्ब्स एंड माइक्रोग्रीन्स ओनली टुडे। किसी ने पूछा है कड़ी पत्ता भी सेम ही तरीका है क्या उसको उगाने का भी? नहीं, कड़ी पत्ता हाँ कटिंग से भी लग जाएगा, कटिंग से और बीज से भी लगता है कड़ी पत्ता, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसीजर हो जाता है। बेहतर है कि अगर आप एक रेडी प्लांट लेके आके नर्सरी से लगाओ तो वो ज्यादा फास्ट ग्रो हो जाता है, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, इतने प्लांट्स होते हैं तो उसमें मॉस्किटोज का प्रॉब्लम आता है मोस्टली? तो नहीं, मॉस्किटोज का प्रॉब्लम नहीं आता है, वेल मेंटेन प्लांट्स है, पानी अगर आपका मॉस्किटोज में ठहर नहीं रहा है। मॉस्किटोज कब आते हैं? जनरली जब आपके नीचे की ट्रे आप रखते हो और उसमें पानी जमा हुआ हुआ रहता है उससे मॉस्किटोज होते हैं, आपके प्लांट्स से मॉस्किटोज नहीं होते। मेरे पास तो घर के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं लेकिन टचवुड मेरे फैमिली मेंबर्स में किसी को भी ये कंप्लेन नहीं है कि घर में मच्छर है, मेरे घर में एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। ओके अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है हाउ टू प्रिवेंट, अच्छा चना और मूंगफली लगती है क्या? चना और मूंगफली, चना मैंने आपके सामने कट करके बताया, अभी मूंगफली भी लगती है, चना भी लगता है, चना मूंगफली सब कुछ लगती है। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन ग्रो द गेहूं इन सेम पॉट? बोला ना मैंने, दो एक से दो बार तो कम से कम आप लगा ही सकते हो, एक से दो बार तो आप कम से कम लगा सकते हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप उसमें और खुदी ना लाइक थोड़ा सा और उसमें गोबर वगैरह ऐड कर दो तो उसकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको ले सकते हो। अच्छा, ये सब लोगों ने सॉइल के लिए बहुत सब लोग बहुत जने पूछ रहे हैं हाउ टू कंपोज अगेन एज साउंड एज ड्रॉप, क्या क्या हाउ टू कंट्रोल, please describe how to make sand composite again as sound head drop. हाँ वो तो आपको वो मैं उसका एक मेरा लिंक शेयर करी हूँ मेरे दूसरे वेबिनार का, तो उस पर आप जाके देखिए, उस पर कंपोस्ट बनाने का पूरा तरीका है, वो ही पूछ रहे मेरे ख्याल से बोलो, तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वो इजिली समझ में आ जाएगा। ओके सब लोग मैन्यूर कैसे बनाते हैं होममेड, उसका वापस एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हाँ वही मैं बोली ना, उसमें हो जाएगा वो उसमें वो आप उसमें वो मैं लिंक शेयर करी हूँ उस वीडियो की, उसमें पूरा मतलब मैंने पॉट लेके बकायदा लेयर्स लगा के बताए हैं, तो वहाँ जाए ऐसे मैं कितना भी बोलूँ समझ में नहीं आएगा, और उसको पूरा टाइम चाहिए, कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए, तो वो अलग से फिर वो नहीं बता पाएंगे। आप उस पे लिंक पे जाके देखिएगा तो आपको जरूर से आइडिया आ जाएगा कि कैसे
वो होता है उसको कैसे यूज करना है कैसे हाउ टू ग्रो लेमन ग्रास. लेमन ग्रास भी कटिंग से होता है. कटिंग से आप ग्रो कीजिए. कटिंग लेमन ग्रास आप बाजार से भी लेके आते हो और उसके नीचे के जो रहते हैं ना ब्राउन वाले वो पार्ट को रख के पानी में रखिए फिर उसके रूट ग्रो हो जाएंगे. सेम जैसे पुदीना का मैंने किया ना उस टाइप से आप लेमन ग्रास भी कर सकते हो. अच्छा ये आपने जैसे बोल रहे हो पानी में उगाना है उसको तो क्या एक बॉटल में रखे वो जड़ को. हाँ बॉटल में जैसे यहाँ पे मैं मग में रखी हूँ ये देखिए ऐसे बॉटल्स में आप ऐसे रख सकते हो ऐसे उगा सकते हो. नहीं तो इसको एज इट इज बॉटल में भी रख सकते हैं. बॉटल में बॉटल नहीं उगेंगे. बॉटल में उतने ज्यादा नहीं उगेंगे. बॉटल में उगते हैं थोड़े प्लांट्स ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ पूरे मतलब मल्टीप्लाई नहीं होंगे उतने ग्रो नहीं होंगे. इसमें आपको जैसे ये प्लांट इसी में रखना है. ये बैम्बू ट्री जो आपको इसमें ऐसे ही रखना है. बैम्बू ट्री अगर इसमें ऐसे ही रखना है तो इसको अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हो तो ये हो सकता है ऐसे. ये वाला जो है ये वाला ये जो ऐसे ऐसे जो प्लांट्स है ये जो डायरेक्टली पानी में ये मैं टेबल टॉप के लिए सेल करती हूँ. ये वाले प्लांट्स जो ऐसे पानी में रखते हैं वो चल जाते हैं पानी में लेकिन हर्ब्स नहीं चलते. जैसे ये वाले प्लांट सब है ये टेबल टॉप्स के लिए मैं सेल करती हूँ. नीचे देखिए इसका डेकोरेटिव पीस बनाया है मैंने और ऊपर से ये प्लांट्स लगाए हैं. तो ऐसे प्लांट्स है ये पूरे पानी में चलते हैं जो कि आप ऑफिस टेबल्स वगैरह पे रख देते हो तो आपको इसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहता है. लेकिन हर्ब्स वगैरह पानी में पूरे मतलब आप पूरा ग्रो करने चाहोगे तो नहीं ग्रो होते. बस थोड़ा सा रूट्स है जितना क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे हर्ब्स. ये आपके है आपको सिंगल प्लांट अगर लगाना है पॉट्स में ऐसे तो ये पानी में आपके ऐसे यूज हो जाते हैं. जैसे ये जैसे ये वाला भी मैंने इसमें लगाया है. दिस इज अगेन अ टेबल टॉप प्लीज विद थ्री लेयर्स ऑफ कलर. इसमें तीन कलर ये भी विदाउट पानी मतलब विदाउट होल है. सो दीज आर वेरी मच यूजेबल फॉर टेबल टॉप्स. तो उसके लिए आप ये ऐसे सब गिफ्टिंग आइडियाज ये सब यूज कर सकते हो टेबल टॉप्स वगैरह के लिए. ये सब ऐसे ये इसको ज्यादा धूप भी नहीं लगती और ऑफिस टेबल वगैरह में रखते तो ये आपका वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है. स्ट्रेस बूस्टर्स वगैरह उसके जैसे आप यूज कर सकते हो. ये मेरा एक लेटेस्ट है. इज दिस आई हैव डन साइड से ये छोटे छोटे होल से भी मैंने इसमें प्लांट्स लगाए. ये देखिए ऊपर से एक डिफरेंट प्लांट जा रहा है और ये साइड में छोटे छोटे होल्स के साथ ये सब गिफ्टिंग आइडियाज में आप यूज कर सकते हो. वैसे इसमें यूज कर सकते हो. ये है ये बहुत लोग पूछते रहते हैं एक्चुअली इसलिए मैं बता रही हूँ. बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू वर्क. दीज आर ऑल सी देयर इज अ चेयर इन इट यू कैन सी. एक छोटी सी चेयर है. एक हट है. ये ऐसे लैंडस्केपिंग है. ये पॉटेड गार्डन्स में जो हम लोग करते हैं वो ऐसे बनाते हैं गिफ्टिंग आइडियाज के लिए. इसमें देखो दो कलर्स है. देयर इज अ पिंक प्लांट. ये वाला एक पिंक प्लांट है एक ग्रीन प्लांट है. तो कलर कोऑर्डिनेशन हो गया पिंक एंड ग्रीन प्लांट्स का. और फिर बीच में एक घर है और एक पॉट है. मतलब ये सब गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे लगते हैं. बुकेज की जगह आप यूज करो और दे आर मतलब बुकेज के प्राइस में भी आ जाते हैं. और बुकेज जैसे आप गिफ्ट करो लॉन्ग लाइफ आपका लॉन्ग लाइफ ये चलते हैं. ये देखिए इसमें एक बोट है शिप है बीच में एंड ये प्लांट्स है इस तरफ ऐसे. तो ये फ्लावर्स ऐसे अरेंज करते हैं ऐसे जिसमें आप ये बुकेज से भी बहुत ज्यादा मेरे को तो ऐसे लगता है बुकेज से भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और बहुत लंबे टिकते हैं और वैल्यू फॉर मनी एंड लॉन्ग लास्टिंग रहता है. इस हिसाब से आप इन सबको यूज कर सकते हो गिफ्टिंग वगैरह में ये सब ऐसे. ये एक एक, एक सी है. सी के अंदर ये ब्रिज है. ये ब्रिज है इसके अंदर और ये प्लांट्स है. ये सब गिफ्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है जो यूज कर सकते हो आप. और वैसे ये भी है. और भी कुछ अगर क्वेश्चंस कोई के है संगीता जी तो देख लीजिए. नहीं तो पेस्टिसाइड्स के लिए पूछ रहे सब लोग कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कैसे प्रिवेंट करना चाहिए. ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वो मैं वही बोल रही हूँ ना आप मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का. वो अलग से बहुत लंबी टॉपिक हो जाती है ना तो वो अभी एक साथ सारे टॉपिक्स अपने नहीं ले पाते हैं. तो एक थोड़े से मैं बता सकते हैं जिसके यहाँ मतलब सबको लगता है कि इतने प्लांट्स लगाने से मच्छर होएंगे या कुछ कीड़ा मकोड़ा. मोस्टली होता है कि तुलसी के पत्ते हमारे यही होता है कि तुलसी के पत्ते गिलहरी खा रही है रोज
तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? गिलहरी को बचाने के लिए तो गिलहरी को नहीं, तुलसी को बचाने के लिए। हाँ, गिलहरी से बचाने के लिए। गिलहरी तो आई डोंट नो, अभी आई डोंट हैव एन आइडिया। गिलहरी का मेरा कभी काम नहीं पड़ा, लेकिन अगर चींटियां, जैसे अपन कभी कभी पतवारी जी सींचते हैं तो उसमें दूध वगैरह भी बहुत लोग डाल देते हैं, तो चींटियां वगैरह काफी हो जाती है, तो उसमें आप हल्दी स्प्रिंकल कर लीजिए। अभी एक्चुअली अगर टाइम है तो 10 मिनट्स आप दीजिए, तो मेरा एक मेंटेनेंस का वीडियो है, मैं चाहिए तो आपको वो वीडियो दिखा दूं, उस पे टोटल स्टार्टिंग टू एंड मेंटेनेंस कैसे करना है उसी का एक वीडियो मैंने बनाया है, 10 मिनट का है सिर्फ, अगर टाइम है तो आप बोलिए मैं चालू करूँ। हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ टेक द वीडियो, उसमें बेसिकली सारे मेंटेनेंस कैसे करना है, गार्डनिंग कैसे करना है वो सारा लिया हुआ है, कब कटिंग करना है, कटिंग कैसे करना है, डिगिंग कैसे करना है, तो प्लांट्स को कैसे मेंटेन करना है, वो सारा डिटेल में उसमें लिया हुआ है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। 10 मिनट का सिर्फ है, आप लोग देखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। ओके शर्मिला माइश्री इम्पॉर्टेंट गार्डन से, आज मैं आपको एक बताती हूँ कि गार्डनिंग में मेजर कैसे मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए और कैसे गार्डनिंग थोड़े आइडियाज आपको देने की मैं कोशिश करती हूँ, जिससे आपका मोटा मोटी जो भी डाउट्स रहता है काफी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। फर्स्ट, जैसे आप उठते हो एक रूटीन बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे उठते ही आप अपनी चाय अपने पेड़ पौधों के साथ में लें तो बहुत उससे ज्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है। उसी समय आप पेड़ पौधों के साथ चाय पीते पीते उसी समय आप देख लीजिए कि आपके गमलों पे ऐसे जैसे पीले पत्ते होते हैं, ये पीले पत्ते होते हैं वो उसी टाइम मोटा मोटी तो हाथ से ही निकल जाते हैं, अगर हाथ से नहीं निकल रहे ऐसे जैसे ये, तो उसका प्लांट देखिएगा सुंदर भी लगेगा और रोज का रोज आपका वो वैसे भी बोलते हैं वास्तु के हिसाब से भी ड्राइड एंड डेड लीव्स नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसे ये आप देख लीजिए। उसी टाइम पे आप चेक कर लीजिए कि आपके कौन से प्लांट्स को, जैसे किसी में ये देखिए जैसे इसमें पानी ज्यादा हो गया है, ये प्लांट सड़ने लगा है, ये देखिए पूरा सड़ गया ये प्लांट, तो पानी किसमें ज्यादा हो गया है, किसी प्लांट को बांधने की जरूरत हो या किसी प्लांट में कीड़े लग गए हो, मतलब ये एक आप रूटीन में आप एक चेक कर लीजिए कि आपको मतलब कैसे है, आपको मतलब आपके प्लांट्स को क्या चीज की जरूरत है वो आप सुबह सुबह चेक कर लीजिए। फिर आप सारा दिन में जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे आप उस हिसाब से देखिए, जैसे पीले पत्ते सारा दिन में जैसे आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से आप वो काम कर सकते हैं, जैसे एक दो दिन कोई काम थोड़ा सा अर्जेंट नहीं है तो एक दो दिन में कर लो, कोई काम आप शाम तक कर लो, लेकिन एक बार आप सुबह सुबह चेक कर लो जैसे किसी में कीड़ा लग रहा हो या किसी में कुछ हो या किस, जैसे आप इसको देखिए आप कटिंग की जरूरत है, ये एक लेवल में है, ये थोड़ा सा ऊपर अलग सा अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एक लेवल में अगर रहेगा तो उसकी सुंदरता अलग ही आएगी, और वैसे भी ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे सारा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ऊपर आके सिर्फ लीव्स आए हैं, तो नीचे से अगर आपको घना करना है और अगर एक लेवल में रखना है तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा, अगर मेरे को ये यहाँ ये हाइट तक ही मेंटेन करनी है यहाँ तक, ये क्योंकि इस लेवल से एक ही हाइट आ रही है, तो इस लेवल से अगर ऐसे मेंटेन करना है और ये हाइट ऐसे रखनी है तो आप इसको ये और नीचे नीचे भी मेरे को यहाँ पे लीव्स चाहिए, तो अगर मैं इस लेवल से इसको ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे ये एंगल पे कट कर दी, इस लेवल पे ऐसे मैं इसको कट कर दूंगी तो एक तो ये लेवल भी हो गया अच्छे से, इस एक लेवल पे हो गया देखिए सुंदर भी लग रहा है और इसका भी यहाँ पे इसके लीव्स आने लग जाएंगे ऊपर से कट करने से, जो एक्स्ट्रा वो एनर्जी वहां जा रही थी वो एनर्जी प्लांट मेकिंग ही यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ से ये जो खाली खाली हो गया है वो एकदम घना हो जाएगा, अब जैसे कोई प्लांट ऐसे गिर रहा है कुछ कर रहा हो तो उसको अपने जैसे ये मैंने यहाँ पे टाई करके रख दिया है, वैसे जहाँ जरूरत नहीं है टाइम की अभी सपोर्ट उसको मिलना लग गया तो आप उसको कट कर दीजिए, नहीं तो जहाँ जरूरत है ये देखिए अब सपोर्ट की जरूरत है, अब इसको सपोर्ट की जरूरत है, तो जैसे जिस प्लांट को सपोर्ट की जरूरत है वो आप चेक कर लीजिए उस हिसाब से आप उसको सपोर्ट देना ये सब वैसे कर लीजिए। ये हो गया आपका कटिंग और ड्राई लीव्स निकालना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। अभी जैसे इसमें पानी ज्यादा हो गया तो इसका क्या उपाय है, जैसे ये सड़ रहा है ये तो आप हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, जैसे मिट्टी थोड़ी सी ऐसे लूज कर दीजिए, देखिए आपको पता चलेगा कि एकदम ही पानी इसमें ज्यादा हो गया है, और ये कैक्टस टाइप का ये सेंसिमेरिया है, ये कैक्टस टाइप का प्लांट है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो अभी एक बार का तो आप इसमें 2-3 दिन पानी डालना बंद कर दीजिए, लेकिन ये मौसम धूप से ये जैसे गर्मी का टाइम हो तो पानी अगर आप डालना बंद करो तो धूप से ये
हो जाता है क्या, धूप से उड़ जाता है पानी और बरोबर हो जाता है नॉर्मल। लेकिन अभी जो बारिश का मौसम है इसमें जल्दी से ऐसे नहीं होगा, फिर आपका झाड़ खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें ऐसे ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्सेस रहते हैं अपने, उसका पुट्ठा ही लेना है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए क्योंकि केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स अपने प्लांट के लिए अच्छे नहीं है। इसको ऐसे आप इसमें मिट्टी में थोड़ा सा दबा के छोड़ दीजिए, तो ये क्या करेगा आपका मिट्टी सोख लेगा, मिट्टी सोख लेगा। तो फिर आपको थोड़े दिन में, फिर एक दो दिन में जब मिट्टी सोख लेगा आपको ऐसे लगेगा, हाथ टच करके आप देखोगे कि मिट्टी इसमें सूख गई है अच्छे से, तभी आप निकाल दीजिए। क्योंकि अगर इसी के साथ में अगर वापस पानी डालोगे तो फिर वापस से ये वाटर रिटेन करेगा और वापस से वाटर लॉगिंग होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए वो आप कभी मत कीजिए अपने प्लांट्स के साथ। तो ये हो गया कि अगर आपके इसमें पानी ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें ये छोटे छोटे से यहाँ पे कीड़े दिख रहे हैं, आपको पता चले तो ये ऐसे कीड़े, ये पानी ज्यादा होने से ऐसे कीड़े हो जाते हैं। तो इसको अगर आपको दूर करना हो तो ये थोड़ा सा ये ऐसे सोडा, जो अपना खाने का सोडा होता है, या हल्दी, ऐसे ऐसे बॉटल्स में आपकी जो बॉटल्स खाली रहती है उसमें डाल के आप हांडी रख लीजिए अपने गार्डन में, और ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। चींटियां होती है या ऐसे कोई भी कीड़े होते हैं तो इसमें ऐसे आप ऐसे स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मेरा ज्यादातर है ना केमिकल फ्री गार्डनिंग का स्टाइल है, तो मैं केमिकल्स यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेरे ज्यादातर मैं ऐसे ही चीज यूज कर सकती हूँ जो कि घर में मिल जाए, अवेलेबल हो, केमिकल नहीं हो, जो आपके लिए भी हेल्दी है, वो ही चीज आपके प्लांट्स के लिए भी हेल्दी है, ये एक थंब रूल है। तो इसमें अगर आपको ज्यादा कीड़िया हो गई है, कुछ हो गई, वीड्स ज्यादा हो गए, वीड्स मतलब जंगली झाड़ वगैरह कुछ हो गए से, तो आप ऐसा ही एक बॉटल बना के अपना घर का खाने का सोडा रखिए, वो भी आप स्प्रिंकल ऐसे कर सकते हो। ये हो गया आपका कि आप कीड़े वगैरह आओ तो कैसे आप उसको हैंडल करना है। अब जैसे इसमें है एक छोटा सा, मैं बताती हूँ, ज्यादातर तो मैंने इसको आपके लिए ही किया है, ज्यादातर मेरे प्लांट्स में से होता नहीं है। ये देखिए ऐसा कीड़ा है, ये सब आप आपको चेक करना चाहिए सुबह में जब आप चाय पीते हो तब, कि अरे अभी मेरे प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये अगर आपको करना हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें शैम्पू और वेनेगर, 2 टेबलस्पून शैम्पू और 2 टेबलस्पून वेनेगर, 1-2 लीटर की बॉटल में आप मिक्स की, 2 लीटर पानी में आप मिक्स की कर लीजिए, और ऐसे बॉटल में ऐसे ऐसे डाल के इसको ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए। ये अपनी नॉर्मल बॉटल से जिसको मैंने सामने छेद कर दिया है, ताकि ये आपका होम मेड स्प्रिंकलर बन जाए इजीली, तो उससे आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए 15 डेज। एक बार में निकला नहीं हो तो 15 डेज बाद वापस आप रिपीट कर सकते हो, ताकि ये जो ऐसे कीड़े है ये सब निकल जाए आपके पानी में। और पानी देते हैं प्लांट्स में, तभी भी आपको ऐसे पानी देना है कि ऐसी वाली बॉटल्स लेके अगर आप पानी दो, और पानी सिर्फ ऐसी मतलब टुवर्ड्स द एंड, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के अंदर नहीं पानी डालना है, पॉट के साइड में इस तरफ पानी डालना है, तो ये इससे जड़ सड़ने की गुंजाइश कम रहती है, जड़े सड़ती नहीं है, और वो पानी ढूंढते ढूंढते अपना प्लांट आपका रूट यहाँ तक आता है। तो जितना रूट का ग्रोथ नीचे की तरफ होता है उतना ही रूट आप उतना ही प्लांट का ग्रोथ ऊपर की तरफ भी होता है, इसलिए कम से कम पानी डालिए, वो ढूंढते हुए जड़े आएंगी यहाँ तक, और फिर ज्यादा और कॉर्नर से ही पानी डालिए, यहाँ से ही रिम टूवर्ड्स द रिम ऑफ द पॉट ही आपको पानी डालना है, ताकि आपका प्लांट एकदम हैप्पी और हेल्दी रहे। एक और टिप मेरे को ये शेयर करनी थी, जैसे अब ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, तो इसके प्लांट अगर ऊपर की तरफ अगर ग्रो हो रहा है तो आप नीचे का जो ये पार्ट है इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये एक टिप है गार्डनिंग की, जैसे डबल गार्डनिंग ऐसे हो गए, डबल पॉटिंग इसको बोलते हैं, तो यू आर यूजिंग नीचे की जगह भी, देखो दो प्लांट एकदम अपने आप से, ये भी एकदम हेल्दी है, ऊपर वाला ये चाइनीज एवरग्रीन है और ये नीचे मैंने वीट ग्रास डाला है, तो दोनों प्लांट्स एकदम आराम से हेल्दी है एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ गार्डनिंग की, आप एक साथ में दो चीजें यूज करो और दो जगह भी सेव हुए और आपको दोनों चीज हेल्दी मिले और एक साथ आप दो चीज यूज कर सकते हो। इसकी कटिंग में आपको माइक्रोग्रीन्स टॉपिक क्लियर लूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये माइक्रोग्रीन्स की कटिंग कैसे करना है। वैसे चाहूँ तो यहाँ पे बता दो, माइक्रोग्रीन 2 इंच की नीचे की, मतलब जैसे ये गेहूं है इसको नीचे 2 इंच की अगर आप छोड़ के ऐसे कटिंग करते हो ऐसे, तो इसकी री ग्रोथ, सिर्फ गेहूं ऐसा है जिसमें री ग्रोथ सेकंड अपने को सेकंड हार्वेस्ट मिल जाते हैं, तो ऐसे कटिंग करने से ये तो आपका यूज हो जाएगा, ये आपका यूज हो जाएगा और ये वापस से थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो ये है डबल पॉटिंग के,
ये एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है डबल पॉटिंग का। जैसे ये प्लांट ऊपर जा रहा है, नीचे की जगह काफी खाली है, तो मैंने इसमें क्रीपर्स डाल दिए तो सुंदरता भी दिखती है और प्लांट्स भी डबल पॉटिंग से नीचे का भी ऐसे जगह खाली नहीं है और उसमें कुछ कीड़े उड़े लगने के और वीड्स आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इसको एक दूसरे प्लांट से फिल कर दिए। यदि ये डबल पॉटिंग का स्टाइल आप यूज करोगे अपने गार्डन में तो आपको ज्यादा वो मिलेगा। दूसरा 15 डेज में एक बार अगर आपको ये सब प्लांट्स को 15 डेज में एक बार आपको न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स का मेरा अलग से वीडियो है। आप कोकीडर्मा में शर्मिला भाया शर्मिला चावर अगर यूट्यूब पे डालते हो तो उसमें आता है, तो उसमें मैं होममेड फर्टिलाइजर्स होममेड कंपोस्ट वगैरह बनाने का बताई हूँ, तो वो आप यूज कीजिए। 15 डेज में एक बार आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और महीने में एक बार आप प्लांट्स को ऐसे खुदाई कर दीजिए, ऐसे महीने में एक बार ये प्लांट्स है ना जैसे इसमें ऐसे महीने में एक बार ऐसे मिट्टी यूज करनी जरूरी होती है ताकि हवा चाहे उस पे उसको ग्रो होने के लिए सांस मिलती है उसके लिए। तो महीने में एक बार आपको गुड़ाई करनी, गुड़ाई डिगिंग महीने में एक बार, कटिंग और 15 डेज में एक बार न्यूट्रिएंट्स। दिस इज थंब, दीज आर द थंब रूल्स हाउ टू मेंटेन योर स्मॉल गार्डन बालकनी गार्डन। If you're okay with handling them by yourself, it's nice. Again, I'm always there to help you. But if you can't do it, call me up and I'm ready to make your... We have started doing indoor gardens and balcony gardens. I'm ready to arrange them for you and handle it for you also. We do the maintenance part also. Thank you, Narayan Narayan. Once again, have a good day. Hello. होप्सो आपको पसंद आया, यूजफुल रहा, आपके मोटा मोटी जो बेसिक सारे उसके आंसर अच्छा होंगे। हाँ शर्मिला बहुत जनों के बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल था। थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर द पिक्चर्स, सब लोग अपने अपने प्लांट्स उगा के मेरे को पिक्चर्स भेजो, चैट बॉक्स में मेरा नंबर है, सीक द पिक्चर्स कल से शुरू हो जाना चाहिए सब लोग की। मैं आज और फोटोज शेयर कीजिए, मैं बहुत, मेरे को बहुत खुशी हुएगी कि मेरे से कोई मतलब कुछ लिया है, मेरे से कुछ उसका यूजफुल उसका यूज हो रहा है लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर पिक्चर्स। और दूसरी एक और बात मैं भूल गई, ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स इन मतलब साइकिल, जैसे आज अपन दो चार उगा दिए, फिर आठ दस दिन बाद वापस दो चार उगाइए, तो आपको कंटिन्यूस फ्लो मिलते रहेगा। नहीं तो एक साथ आप सारे उगा देंगे एक साथ खाएंगे, तो आठ दस दिन बाद वापस राई उगा के छोड़ दीजिए, तो आप ये राई अगर खाओगे तो तब तक वापस आपको दूसरी राई खाने के लिए रेडी हो जाएगी। मतलब दो चार प्लांट्स आज उगाए तो दो चार आप आठ दस दिन बाद उगा लीजिए, तो आप कंटिन्यूस आपको फ्लो मिलेगा और एक साथ सारे वेस्ट मतलब एक साथ भी सारे उठेंगे, इसके बाद एक कंटिन्यूस मिलेगा। कैंटिंग वाइल्ड प्लांटिंग, तो जैसे आप जैसे प्लांट्स आप प्लांट कर रहे हो उस टाइम पे नाम भगवान का नाम ले लेके अगर चैंटिंग करोगे तो आपके प्लांट्स भी बहुत हेल्दी और एकदम अच्छे ग्रो होंगे। वो मैं यूज करती हूँ, मेरी टेक्निक, इसलिए मैं सोची आपसे शेयर करूँ, चैंटिंग एंड प्लांटिंग। I hope you. चलो नारायण नारायण जय श्री कृष्ण। I hope you like the session. Yes yes very much like. अगर आप लोग को किसी को भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैंने चैट बॉक्स पे अपना फोन नंबर डाला है, मोबाइल नंबर, तो आप उसमें मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगी। और शर्मिला जी सब लोग आपका यूट्यूब का यूट्यूब या एफबी में भी आपका लिंक शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन करूं? मैं बोलती हूँ, मेरी लड़की यूएस में रहती है, वहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता है और इंडिया से सीड्स अलाउ नहीं करते हैं, तो कड़ी पत्ता कैसे ग्रो करें? विदाउट सीड्स और विदाउट कटिंग आप कैसे ग्रो करोगे? तो यही प्रॉब्लम, अलाउ नहीं करते ना, सीड्स अलाउ नहीं करते हैं यूएस जाने के लिए, कड़ी पत्ता मिलता नहीं है। नहीं नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो सीड्स के बिना और कड़ी पत्ता भी नहीं जाएगा और सीड्स भी नहीं जाएंगे, तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे? कड़ी पत्ता मिलता है लेकिन फ्रोजन मिलता है, फ्रोजन ग्रो नहीं होगा ना, फ्रोजन मिलता है। नहीं उससे नहीं उगेगा, या तो आपको उसकी डंडी चाहिए या हाँ, यूएस अलाउ नहीं करते, यूएस में अलाउ नहीं करते हैं,
उसको कड़ी पत्ता इतना पसंद है तो अमेज़न से मंगवा लीजिए बोलना अमेज़न अलाउ नहीं करेंगे अलाउ नहीं करेंगे तो उसके लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा थैंक यू चलो दुर्गा जी किसी को भी कहीं और पे भी अगर वेबिनार्स कंडक्ट करना है तो मेरा नंबर है चैट बॉक्स में या फिर आप संगीता जी से ले लीजिए कहीं और के लिए भी अगर वेबिनार करना हो तो प्लीज लेट मी नो इफ और इफ यू वांट टू डू योर बालकनीज योर गार्डन्स आल्सो यू कैन कांटेक्ट मी चलो शैल वी वाइंड अप एक दो मिनट शर्मिला दुर्गा हाँ जय आवाज आ रही है भाभी मेरी हाँ हाँ आ रही है हेलो आ रही है ना हाँ जय महेश इंडोर प्लांटिंग में पधारे हुए सभी पदाधिकारियों मेरी जीएसटीस बहनों को मेरा नमन एवं सादर जय श्री कृष्ण अजय जी मंत्री जी अभी हमारे बीच में पधारे हो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं शर्मिला जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत कम समय में आसान तरीके से कम श्रम और साधन से हमको इतना अच्छा तरीके से प्लांटिंग करना सिखाया उसके लिए हम बहुत ये सब हमारे लिए नया ही है हम ट्राई करेंगे हम अच्छे से आपको बताएं व्हाट्सएप करें अपने पिक्चर्स हमने माइक्रोग्रीन से कैसे न्यूट्रिएंट मिल सकता है वो भी हमने आपसे सीखा है निश्चय ही हम लोग अब सब अपने घर पे ही उगे हुए धनिया पुदीना अदरक करी पत्ता यूज करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और जूम सभा में पधारी हुई मेरी सभी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये शांतिपूर्वक अच्छे से सीखा है और उसका उपयोग भी अपने लाइफ में करेंगे आगे और मैं महेश्वर प्रगति मंडल के अरविंद जी जो हमारे इस प्रोग्राम वेबिनार को सुचारू रूप से करने में सहायता करें उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अब जल्दी से मुझे कहीं डिनर पे बुलाओ और सारी चटनियां बना के खिलाना जो घर पे उगाई हो चलो और बस बाकी श्यामा जी कैसे हो अब सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सब कह सकते हैं सब टॉक कर सकते हैं हाँ अभी चिट चैट का टाइम है अभी चिट चैट का टाइम है अब निदान ऑफिशियल टाइम स्टार्ट नाउ हाँ दुर्गा एक बार सबको अनम्यूट कर देना हाँ कर सबको म्यूट कर दे सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो म्यूट कर थैंक यू संगीता जी वेरी नाइस प्रोग्राम वेरी नाइस प्रोग्राम बात कर रहे हैं काफी नॉलेजेबल वेरी नाइस प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम चेक करते हो बहुत अच्छा हम घर बैठे काफी कुछ कर सकते हैं किस पे चैट किसमें कर रहे हो मोहिनी ने रेड किया अपना हाथ आप कुछ पूछना चाहते हैं मोहिनी जी संगीता हेलो 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 आवाज आ रही जय श्री कृष्णा नारायण नारायण अभी नारायण नारायण चले ली इतनी मोहिनी जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए शर्मिला जी हेलो हाँ जैसे तुलसी के पौधे जो रहते हैं हेलो तुलसी के जो पौधे रहते हैं उनके पत्तियों के पीछे व्हाइट व्हाइट कीड़े लग जाते हैं कभी कभी वही मैंने अपने वीडियो में बताया आपने ध्यान नहीं किया उस प्लांट पे व्हाइट कीड़े ही लगे हुए थे उसी के लिए मैंने वो विनेगर और साबुन वाला बताया था और डिटेल में मेरे वो दूसरे वेबिनार में मिलेगा पूरे डिटेल्स वो साबुन और विनेगर का पानी 2 लीटर पानी में 2-2 टेबल स्पून आप डालिए और पत्तों को उससे धो दीजिए लिटरली पानी डाल के
और एक अगर निकल रहा है तो 15 दिन में एक बार वापस धो दीजिए, डेफिनेटली निकल जाएगा। दीना, कैरेट और रेडिश का भी हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, अच्छा सेम प्रोसीजर है ना? हाँ, कैरेट और रेडिश भी ऐसे ही लग सकते हैं। सेम प्रोसीजर है ना उसका? एक बार जो ग्रोथ होती है तो उसके बाद में फिर एक बार हम कटिंग करने के बाद सेकंड टाइम दूसरा ही लगाना पड़ता है ना? जरूरी, दूसरा ही लगाना पड़ता है। सिर्फ गेहूं में आप दो बार ले सकते हो, बाकी ऑलमोस्ट सभी। ओके, और चलो सभी को अपना आज का सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच शर्मिला, बहुत अच्छा रहा सेशन। इट वाज वेरी नाइस संगीता, थैंक्स, वेरी गुड प्रोग्राम, और थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू सो मच संगीता, थैंक्स आपको संगीता जी, थैंक्स। जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ संगीता, बहुत अच्छा रहा। काका जी जय श्री कृष्ण, कृष्ण काका जी। चलो क्या संगीता, शर्मिला जी और संगीता का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, चल संगीता। थैंक यू श्यामा जी। श्यामा जी क्या हो गया आपको? नहीं, द इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग। मैं एकदम ठीक हूँ यार, चंगे ही रहो सब लोग। आई नो भाई, बहुत जरूरी है चंगे रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। I know, we are all at home only. क्या करें? Zoom ही एक अपना आसरा है और कुछ नहीं है। सही बात है। ना भी पको कुछ भी करो, लेकिन यही रास्ता है कि stay home, stay safe. I know. चलो, very nice program, very well enjoyed, yeah. And very informative. हाँ, यही पहले के कुछ भूले बिसरे भी याद आ गए। हाँ, I know. ये तुलसी और तो हर रोज का प्रॉब्लम है, ठीक ही है, समझ गए क्या करना। चलो बाय बाय। ओके जी, जय श्री कृष्ण, बाय। जय श्री कृष्ण, बाय बाय। बात तो तैयार हो गई है कमला भाई, मजे में हो ना? एकदम मजे में, तू ऐसे तो मिलती नहीं है। चलो जूम पे शक्ल तो देखी, और सबके क्या हालचाल है? ऑल आर गुड, यस यस, ऑल आर वेल। संगीता, हाँ, हैदराबाद के सत्संग में जूम पे नहीं आ रही? हाँ जी, आ जाऊंगी, तेरे को देख के बताती हूँ। हाँ हाँ, देख के मैं बताती हूँ, मेरे को लिंक भेजो, मैं आ जाऊंगी। कौन से सत्संग में? ये मेरी हैदराबाद की फ्रेंड है, तो इन लोग का वहाँ पे एवरीडे फ्रेंड एवरीडे वो सत्संग चलता है, तो ये लोग इतनी बार बोल चुके मेरे को कि आओ सत्संग में, होता हो ही नहीं रहा। बढ़िया है, जा जूम पे है ऐसे तो है। जूम पे लाइव है, जूम पे लाइव है, 9 to 10 कोई भी आ सकता है इसमें। अभी यूएस के भी काफी लोग ज्वाइन हो गए इसमें, शाम को मिलते हैं छत पे। चलो अभी आज तो पक्का पक्का ना, 6 बजे या 5 बजे अभी आ जा। यस, 15 मिनट में आ जाओ ऊपर, खाना बनाने की तैयारी करूँ। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन, बाय, थैंक यू वेरी मच। इसको पॉज कर दो, चालू किया है यार।